तो चलिए गाइस, यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। पहली बॉल पर पहला वन ड्री निकलता हुआ। सैयद अजीज के बल्ले से, जैसे कि मैंने बताया था, सैयद अजीज के यहाँ पे एक बेहतरीन बैट्समैन है। और दूसरी बॉल भी जा रही है बाउंड्री सीमा रेखा के तरफ, और देखने वाली बात रहेगी यहाँ पे क्या चेक करेंगे एम्पायर यहाँ पे अपना चौका रोक पाए हैं या नहीं। तो बिल्कुल रोक लिया है, अच्छी फील्डिंग कहेंगे हम इसको, बिल्कुल बाउंड्री के पास रोका है जा करके। तो दो रन मिल जाएंगे तो टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। सैयद अजीज, बताया था मैंने आपको, सैयद अजीज यहाँ इसमें एक बेहतरीन बैट्समैन है। शुरुआत अच्छी करते हैं और एंड तक ऐसे ही बैटिंग करते रहते हैं। तो शुरुआत उन्होंने की है चौके के साथ अपना खाता खोला था। सैयद अजीज फिर से सामना करेंगे चौथी बॉल का। और फिर से उठा दिया है, काफी ऊंची है और ये सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। तो काफी बेहतरीन बैटिंग का नजारा सैयद अजीज के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का, और चौका भी इससे पहले लगाया था। तो टीम का स्कोर 12 रन 4 बॉल पर, पहले ओवर की 4 बॉल। तो गाइस यहां पे शुरुआत एकदम बेहतरीन सैयद अजीज के बल्ले से। सियाजरुल पहला अपना ओवर लेकर गए थे और पहले ही ओवर में उन्होंने काफी खराब बॉल का प्रदर्शन किया है। और सैयद अजीज फिर से सामना करेंगे ओवर की 5वीं बॉल का। तो चलिए यहां पे 5वीं बॉल सियाजरुल की है ओवर की 5वीं बॉल, सामने सैयद अजीज। और यहाँ पे फिर से निकाल दिया है, फील्डर पीछे है, काफी तेज जो दौड़ रहा है यहाँ पे रोक लेगा फील्डर, फील्ड रोक पाते जब तक उन्होंने अपने 2 रन पूरे कर लिए। तो इसी 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन पहले ओवर की 5 बॉल पर। स्ट्राइक की विकेट वर्सेस मलेशिया एसएस फोर्सेस का ये फाइनल मुकाबला। तो यहाँ पे पहला ओवर प्ले होता हुआ, पहले ओवर की 5 बॉल हो चुकी हैं, अभी भी यहाँ पे 1 बॉल बाकी है। अभी तक 14 रन आ चुके हैं इस ओवर से। तो चलिए इस डॉट के साथ ओवर की समाप्ति। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन विदाउट लॉस, बिना भी किसी विकेट के। अब सामना करेंगे सिद्धार्थ, नए वे बॉलर कौन आने वाले हैं। मोहम्मद सुरा रील फतेहरी आए नए बॉलर यहाँ पे। ये देखने वाली बात रहेगी ये क्या करेंगे यहाँ पे, जो भी करना है। और सिद्धार्थ कार्तिक की बात की जाए तो ये काफी स्लो खेलते हैं, काफी स्लो मूविंग है इनकी। कल का मैच देखा था इनका तो 20 बॉल में मात्र 17 रन बनाए थे और आउट होकर के पवेलियन चले गए थे। आज देखेंगे क्या करेंगे ये। सैयद अजीज की तरह बैटिंग
अपना बैटिंग का नजारा दिखाएंगे या कल की तरह टिप टिप करेंगे, वो देखने वाली बात रहेगी। चलिए शुरुआत दूसरे ओवर की। मोहम्मद सुरील बिल्कुल डॉट के साथ आगे बढ़ता हुआ ओवर, पहली बॉल यहां पे डॉट निकलती हुई। ओवर की दूसरी बॉल फिर से यहां पे डॉट, तो दो लगातार डॉट बॉल है दूसरे ओवर की। दूसरे तीसरी बॉल पे यहां पे सिंगल निकाल लिया है, सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन बिना किसी नुकसान के। अब सैयद अजी सामना करेंगे, अभी भी 3 बॉलें बाकी है उनके लिए, जितनी देर की रीच पे रहेंगे तब तक रन बनते रहेंगे। सैयद अजी सामना करेंगे चौथी बॉल का, चौथी बॉल फील्डर के हाथों में सीधी, तो ये कोर डॉट यहां पे इस ओवर की, इस ओवर से अभी तक 1 रन आया है 4 बॉल में और 3 डॉट बॉलें निकल चुकी हैं। फिर से सामना करेंगे सैयद, और यहां पे उठा दिया है काफी ऊंचा है और सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। एम्पायर का इशारा 6 रन, एक और जबरदस्त शॉट इस ओवर से भी, तो टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन विदाउट लॉस 1.5 ओवर्स। सैयद अजी कल की तरह ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हो। तो चलिए यहाँ पे डॉट के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन बिना किसी विकेट के स्ट्राइक की विकेट का स्कोर। स्ट्राइक की विकेट यहाँ पे बैटिंग्स की शुरुआत अच्छी की है, खास करके सैयद अजीज, और कल भी इसी तरह से हमने देखा था उनका मैच, कल भी इसी तरह से बैटिंग की थी, एक एक ओवर में 20-20 रन लिए थे, 10-15 ऐसे रन ले रहे थे और 4 ओवर में 54 रन रख दिए थे उन्होंने। तो आज भी वो कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 2 ओवर में 21 रन बना चुके हैं, बाकी अब सामना करेंगे सिद्धार्थ कार्तिक। अहमद असवी आए हैं, देखिए क्या देखने। चलिए पहली बॉल पे यहाँ पे सिंगल निकाल लिया है सिद्धार्थ ने और स्ट्राइक दे दिए सैयद को। सैयद अपने फुल फॉर्म में यहाँ पे नजर आते हुए, सैयद अजीज स्ट्राइक पे फिर से आ गए हैं, और देखने वाली बात रहेगी यहाँ पे क्या अपना नजारा कल की तरह दिखाएंगे। कल 79 रन बनाए थे सेमीफाइनल में। ओवर की दूसरी बॉल सामने सैयद, और सिंगल के लिए यहाँ पे निकालने की कोशिश, लेकिन मना किया, रन कोई रन नहीं लिया है यहाँ पे, तो एक और डॉट निकल जाएगी। एक डॉट के साथ ओवर आगे बढ़ता हुआ, इस ओवर से फिलहाल सिंगल रन निकला है और एक डॉट आई है। तीसरी बॉल फेंकने के लिए तैयार है मोहम्मद
असवी, अहमद असवी अपने ओवर की तीसरी बॉल सामने सैयद, और ये वाइट का इशारा एम्पायर का। ओ एम्पायर ने इशारा दिया ही नहीं वाइट का, तो यहाँ पे डॉट हो जाएगी। काफी बाहर थी फिर भी एम्पायर ने इशारा नहीं दिया, तो चलिए यहाँ पे एक और डॉट निकलती हुई इस ओवर की तीसरी बॉल। अहमद असवी अपने ओवर की चौथी बॉल फेंकने के लिए तैयार हैं, और चौथी बॉल सामने सैयद अजीज। सैयद काफी बेहतरीन बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे उठा दिया है, सामने फील्डर है या सीधे सीमा रेखा के बाहर जाएगी, और एम्पायर का इशारा 6 रन। तो एक और यहाँ पे छक्का लगता हुआ सैयद के बल्ले से, तो यहाँ पे टीम का स्कोर 28 रन बिना किसी नुकसान के 2 ओवर 4 बॉल पर। तो चलिए गाइस, बिल्कुल यहाँ पे काफी जबरदस्त बैटिंग का नजारा देखने को मिल रहा है आपको। ओवर की पांचवी बॉल अहमद के पांचवें, और यहाँ पे सिंगल निकाल लिया है, सिंगल निकालेंगे, और सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन विदाउट विकेट। अब सामना करेंगे सिद्धार्थ, ओवर की लास्ट बॉल अहमद की, सिद्धार्थ अभी मात्र 2 रन बना करके खेल रहे हैं, और सैयद 27 रन 13 बॉल का सामना किया मात्र। तो चलिए ये डॉट के साथ ओवर की समाप्ति, तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन बिना किसी नुकसान के, स्ट्राइक की विकेट का स्कोर यहाँ पर। तो सैयद की बात की जाए तो 27 रन बना करके खेल रहे हैं, 13 बॉल का सामना किया, 1 चौका और 3 छक्के, 207 की स्ट्राइक रेट से। इस ओवर से मात्र 8 रन आए थे, 1 छक्का भी लगा था, बाकी 3 डॉट बॉल देखने को मिली, और सिंगल सिंगल 2 रन भी देखने को मिले। मोहम्मद सुरा रील फिर से आए हैं अपना दूसरा ओवर लेकर के, पहले ओवर में 7 रन गए थे, और एम्पायर का इशारा वाइट, पहली बॉल वाइट निकलती हुई, तो टीम का स्कोर 30 रन बिना किसी नुकसान के 3 ओवर पर। पहली बॉल फेंकेंगे मोहम्मद, और यहां पे सीधे फील्डर के हाथों में सिंगल रन मिलेगा, तो इसी सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन बिना किसी नुकसान के। और सिद्धार्थ ने भी यहाँ पे सिंगल ही निकाला है, सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन बिना किसी नुकसान के 3-2 पर। अब सैयद दोबारा से सामना करेंगे मोहम्मद सारिल के ओवर की तीसरी बॉल का, सैयद यहाँ पे फिर से एक और वाइट, एम्पायर का इशारा फिर से वाइट, तो टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन 0 विकेट पर। और फिर से यहां पे तीसरी बॉल फेंकेंगे, और तीसरी बॉल पे यहां पे बाल वाल बचे, यहां पे भाग्यशाली रहेंगे सैयद, काफी अच्छी बॉलिंग थी ये, बस विकेट को टच ही नहीं किया था बिल्कुल, विकेट को।
तो चलिए एक और यहाँ पे डॉट निकलती हुई। तो चार बॉलों में अभी तक सिर्फ चार रन आए हैं, दो वाइट के, दो सिंगल, सिंगल दो डॉट बॉल भी देखने को मिली इस ओवर से। और एक और बेहतरीन बॉल यहाँ पे, फिर से डॉट बॉल। मोहम्मद सुरा रील पे से अपने ओवर की लास्ट बॉल फेंकेंगे, दूसरे ओवर की लास्ट बॉल। और इस ओवर से हमें बाउंड्री नहीं देखने को मिली है। तो गाइस यहाँ पे एक और डॉट के साथ ओवर की समाप्ति। तो चार ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन बिना किसी नुकसान के। इस ओवर में कुछ देखने को नहीं मिला है, कोई भी बाउंड्री नहीं आई, नहीं प्रत्येक ओवर में बाउंड्री देखने को मिल रही थी, छः का तो मिल ही रहा था प्रत्येक ओवर में। तो यहाँ पे तीन छक्के लगे हैं, तीनों अलग अलग ओवर में लगे हैं। एक पहले ओवर में एक छक्का, दूसरे ओवर में एक छक्का और तीसरे ओवर में भी एक छक्का। तो चलिए पांचवा ओवर यहाँ पे फेंकने के लिए कौन आने वाले हैं। बाकी 33 रन बन चुके हैं यहाँ पे। तो अहमद अस मोहम्मद असवी आए फिर से अपना ओवर लेकर के। तो पहली बॉल डॉट निकलती हुई, पहले ओवर में उन्होंने 8 रन दिए थे, अब दूसरा ओवर लेकर के आए। सिद्धार्थ सामना करेंगे ओवर की दूसरी बॉल का, दूसरी बॉल में यहाँ पे फिर से डॉट बॉल। तो स्कोर में थोड़ी कमी आई है, काफी शुरुआत अच्छी की थी दो ओवरों में, उसके बाद दो ओवर में कुछ देखने को खास नहीं मिला है। और यहाँ पे फिर तीसरा ओवर भी स्टार्ट हो चुका है, तो तीसरे ओवर की भी दो बॉलें यहाँ पे फेंकी जा चुकी हैं, दोनों बॉलें डॉट आई हैं, यानी दो ओवर के बाद। बाकी तीन ओवर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, कोई भी बाउंड्री नहीं आई अब की थी। और सिद्धार्थ ने भी उठा दिया है यहाँ पे, और देखने वाली बात रहेगी कि कितना लंबा है। तो बिल्कुल वन बाउंस चौका, तो यहाँ पे वन बाउंस चौका, सिद्धार्थ के बल्ले से भी एक चौका निकलता हुआ। तो इसी चौके के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन बिना किसी नुकसान के 4-3 पर। अश्वी अहमद अश्वी फिर से अपना बॉलिंग फेंकने के लिए तैयार है, ओवर की चौथी बॉल सामने सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ओ हो यहाँ पे बीट हुए फिर से। तो ये एक और डॉट बॉल यहाँ पे, इस ओवर से तीन डॉट बॉलें अभी तक देखने को मिली हैं और एक चौका भी। तो सिद्धार्थ थोड़े कमजोर से नजर आते हुए, 10 बॉल में मात्र 7 रन बनाए हैं, उसमें एक बाउंड्री भी है इस ओवर की। और सैयद की बात की जाए तो उन्होंने एक चौका और 3 छक्के की मदद से बनाए हैं और 18 बॉल का सामना किया है। ओवर की पांचवी बॉल सामने सिद्धार्थ, और काफी बाहर फेंक दी, काफी बाहर, वाइट का इशारा एम्पायर का। तो एक और रन किए जापा, स्कोर में 38 रन बिना किसी नुकसान के 4-4 पर। और गाइस जिन्होंने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए यहाँ पे ओवर की ये पांचवी बॉल सामने सिद्धार्थ, सामने फील्डर है और पीछे भाग रहे हैं और सीमा रेखा के बाहर निकल जाएगी। तो एक और चौका इस ओवर से,
ओहो, रोक लिया है तो सिर्फ 2 रन मिलेंगे गाइस। यहाँ पे चौका नहीं मिला है तो 2 रन मिलेंगे मात्र। इस 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन बिना किसी नुकसान के 2 की 5 पर और 4 की 5 पर। तो 5वें ओवर की ये लास्ट बॉल फेंकने के लिए तैयार है सामने सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने निकाल दिया है सिंगल के लिए थर्ड मैन की दिशा में और सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। तो 41 रन बिना किसी नुकसान के 5 ओवर की समाप्ति के बाद। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन बिना किसी नुकसान के। स्ट्राइक की विकेट का स्कोर 41 रन बिना किसी नुकसान के 5 ओवर की समाप्ति के बाद। मोहम्मद सुराही सुआरील फिर से आए हैं। सुआरील फतेरी अपना 3रा ओवर लेकर के आए हैं। पहले 2 ओवरों में 11 रन दिए मात्र और सिद्धार्थ ने निकाल दिया है। दो दो फील्डर पीछे भाग रहे हैं और यहां पे 2 रन चुरा लेंगे। तो पहले ही बॉल पर 2 रन चुरा लिए हैं तो टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन बिना किसी नुकसान के 5 की 1 पर। तो आज तो सिद्धार्थ भी रन बना रहे हैं। सिद्धार्थ ने भी कल तो काफी स्लो स्लो रन बना रहे थे, काफी मुश्किल से रन बन मिल रहा था उनको। एक एक ओवर में सिर्फ 2-2 रन मिलते थे। और यहाँ पे एक और सिंगल चुराने की कोशिश, तो एक और सिंगल मिलेगा यहाँ पे। तो इसी सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन। ये लेग वाई का रन है, एम्पायर का इशारा लेग बाई का, और ये फिर से एम्पायर का इशारा वाइट का। तो इसी वाइट के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन बिना किसी नुकसान के 5 की 2 पर। फिर से ओवर की 3री बॉल सामने सैयद। सैयद ने उठाया है काफी लंबा छक्का, देखने को हो सकता है बिल्कुल एम्पायर का इशारा 6 रन। तो एक और बेहतरीन शॉट यहाँ पे। तो इसी 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 51 रन बिना किसी नुकसान के 5 की 3 पर। तो सैयद पहुंच चुके हैं 34 रन पर, 4 छक्के और 1 चौके की मदद से। अभी भी ओवर की 3 बॉल बाकी हैं और 10 रन आ चुके अभी तक 3 बॉल में। और यहाँ पे कुछ एम्पायर चेक करेंगे यहाँ पे रन आउट, क्या कहते हैं, स्टंप आउट हो सकते हैं। और बिल्कुल यहाँ पे सैयद को जाना पड़ेगा पवेलियन वापस। यहाँ पे विकेट आउट हो चुका है, पहला विकेट गिरा है सिद्धार्थ अजीज के रूप में। काफी बेहतरीन बैट्समैन थे और उन्हें पवेलियन वापस जाना पड़ रहा है अपनी थोड़ी सी गलती की वजह से। जब बैटिंग बैट घुमाया था काफी तेज घुमा दिया था तो वहां पे क्रीज पे वो गिर चुके थे तो अपना पैर वापस नहीं ले जा पाए, तो इसके चलते विकेट कीपर ने उन्हें रन आउट कर दिया। तो गाइस यहाँ पे एक बेहतरीन विकेट हो सकता है यहाँ पे इस टूर्नामेंट का। फतेहरी के ओवर में हरेंद्र जीता है नए बैट्समैन।
तो चलिए यहाँ पे 6 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन 1 विकेट का नुकसान पे, तो पहला पावर प्ले खत्म होता हुआ। तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन 1 विकेट के नुकसान पे फर्स्ट पावर प्ले फिनिश होता हुआ। हरेंद्र सिंह से को यहाँ पे आए हैं अब नए बैट्समैन, तो अपना खाता खोल चुके हैं, 2 रन बना लिए हैं और सिद्धार्थ सामना करेंगे अब अहमद असवी का। अहमद अपना तीसरा ओवर लेकर के आए हैं, पहले 2 ओवरों में 16 रन दे चुके हैं। ओवर की तीसरे ओवर की पहली बॉल सिद्धार्थ ने निकाल दिया है सिंगल के लिए, लेकिन सामने फील्डर कोई रन नहीं मिलेगा, एक और डॉट बॉल। तो 53 रन 1 विकेट नुकसान पे 6-1 करंट रन रेट की बात की जाए तो 8.59 की है, तो इस तरह से 171 रन का स्कोर खड़ा हो सकता है यहाँ पे। तो ओवर की ये दूसरी बॉल सामने सिद्धार्थ, सिद्धार्थ ने फिर से निकाला है सिंगल के लिए, तो यहाँ पे सिंगल रन मिलेगा या नहीं, नहीं मिला है, नहीं लिया था, तो चलिए एक और डॉट बॉल। अहमद के ओवर की तीसरी बॉल सामने सिद्धार्थ कार्तिक के अभी तक 16 बॉलों में मात्र 12 रन बनाए हैं और अब सामना करेंगे फिर से, इस बार 1 रन चुराने में कामयाब हो जाएंगे, काफी मशक्कत के बाद यहां पे 1 रन मिल पाया है, तो इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 54 रन 1 विकेट के नुकसान पर 6-3। तो चलिए गाइस, ओवर की चौथी बॉल अहमद के ओवर की चौथी बॉल सामने हरिंदर जीत अभी भी आए क्रीज पर, 2 बॉल का सामना किया, 2 रन बनाए हैं और यहाँ पे तीसरी बॉल का नजारा सिंह डॉट के साथ, तो चौथी बॉल भी यहाँ डॉट निकली है। अहमद के ओवर की ये 5वीं बॉल सामने हरिंदर जीत और बैट को घुमाया, जबरदस्त घुमाने की कोशिश, लेकिन नाकाम, कोई रन नहीं, एक और डॉट बॉल। अहमद असवी तीसरे ओवर की लास्ट बॉल फेंकने के लिए तैयार है, सामने हरिंदर जीत सामना करेंगे। तो एक ओवर सिंगल के 7 ओवर की समाप्ति, तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन 1 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है यहाँ पे। तो सिद्धार्थ 17 रन बॉलों में मात्र 13 रन बना करके खेल रहे हैं और हरिंदर जीत अभी आए थे क्रीज पर, तो 5 बॉल में मात्र 3 रन बनाए हैं। सुहारिल पतेरी फिर से आए हैं अपना 4th ओवर लेकर के, अपने स्किल का लास्ट ओवर,
लेकर के आए हैं। उन्होंने एक विकेट भी निकाल के दिया है, काफी महत्वपूर्ण विकेट है वो, क्योंकि अभी जितने भी रन दिख रहे हैं ना तो उनके बैट से ही निकले हुए हैं। यहाँ पे 16 रन अदर आए हैं, बाकी उन्हीं के बैट से निकले हुए थे, 33 रन बनाए थे शायद। तो पहली बॉल यहाँ पे डॉट निकलती हुई, पहली बॉल डॉट के साथ मैच आगे बढ़ता हुआ। ओवर की दूसरी बॉल सामने हरिंदरजीत ने उठा करके मारा है, सामने फील्डर है, मात्र एक रन मिलेगा। इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 56 रन एक विकेट के नुकसान पर 7-2 पर। अब सामना करेंगे सिद्धार्थ, तो एक और डॉट बॉल यहां पे निकलती हुई आके चलिए सिंगल चुराया है यहां पे हरिंदरजीत सिंह। फिर से सामना करेंगे ओवर की पांचवी बॉल पे सिंगल के लिए निकाला है, हल्के हाथों से खेला, सिंगल मिलेगा। तो इसी सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 58 रन एक विकेट के नुकसान पे 7-5 पर। सुहैल फतेही का ये लास्ट बॉल चौथे ओवर का, तो चलिए यहाँ पे सिंगल चुरा लिया है। इसी सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन एक विकेट के नुकसान पे हरिंदरजीत 5 रन पर पहुंच चुके हैं 8 बॉल का सामना करके, और सिद्धार्थ 15 रन पर पहुंच चुके हैं 20 बॉल का सामना किया है। मात्र एक बाउंड्री देखने को मिली है उनके बैट से, चौका, और 75 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। हरिजीत भी अपने 62% स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, तो 220 की तरह नहीं खेल रहे हैं, T20 की तरह नहीं खेल रहे हैं, वनडे की तरह खेला जा रहा है ये मैच। मोहम्मद असवी फिर से आए हैं अपना चौथा ओवर लेकर के, और उठा करके मारा है, काफी ऊंची है, नीचे फील्डर है, पीछे भाग रहा है और रोकने में कामयाब भी हो जाएगा शायद। क्या एम्पायर का इशारा रहेगा, 2 रन या पिच बाउंड्री। अभी फिलहाल एम्पायर का इशारा नहीं है, चेक किया जा रहा है क्या है, बाउंड्री है या। तो 2 रन है, 2 रन बचा लिए अपनी टीम के लिए फील्डर ने, तो 2 रन के साथ 61 रन एक विकेट के नुकसान 8-1 पर। ओवर की दूसरी बॉल सामने सिद्धार्थ ने फिर से घुमाया है बैट्स, और फील्डर को मिस करती हुई, तो फिर भी रन अपना चुरा लेंगे 1 रन। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 62 रन एक विकेट के नुकसान पर 8-2 पर। हरिंदर जी सामना करेंगे फिर से, सिद्धार्थ 18 रन पर पहुंच चुके हैं 22 बॉल का सामना करते हुए। हरिंदर जीत सामना करेंगे तीसरी बॉल का, इस ओवर की तीसरी बॉल, अहमद के ओवर की तीसरी बॉल, अहमद अपना चौथा ओवर लेकर के आए हैं। तो यहाँ पे चलिए फिर से निकाला है सिंगल के लिए, इसी सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 63 रन एक विकेट के नुकसान पे 8-3 पर। मोहम्मद असवी अपना चौथा ओवर लेकर के आए हैं, चौथे ओवर की ये चौथी बॉल, और सामने सिद्धार्थ कार्तिक। और ये एम्पायर का इशारा वाइट का, तो इसी वाइट के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 64 रन एक विकेट के नुकसान पे 8-3 पर।
अहमद के ओवर की ये चौथी बॉल सामने सिद्धार्थ, सिद्धार्थ एक एक रन से आगे बढ़ा ले जाते हुए मैच को। चलिए फिर से यहाँ पे सिंगल मिलेगा, इसी सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 65 रन एक विकेट के नुकसान पर 8-4 पर। हरिंदर जीत फिर से सामना करेंगे ओवर की पांचवी बॉल। हरिंदर जीत सिंह ओवर की पांचवी बॉल सामना करें हरिंदर जीत। हरिंदर जीत ने फिर से निकाला है सिंगल के लिए, इसी सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 66 रन एक विकेट के नुकसान पे 8-5 पर। अहमद के स्किल का ये लास्ट बॉल है यहाँ पे चौथे ओवर का भी, चौथा ओवर अपना कंप्लीट करेंगे इसी बॉल के साथ। और लास्ट बॉल पर उठा करके मारा है, सामने फील्डर है और क्या बाउंड्री रोक पाएगा, तो दो रन चुरा लिए हैं, बाउंड्री रोक लिए उन्होंने, काफी जबरदस्त पड लगाया उन्होंने उसके बाद रोक पाए। तो 9 ओवर की समाप्ति के बाद 68 रन है एक विकेट के नुकसान पे स्ट्राइक की विकेट का स्कोर। एसटीडब्ल्यू का ये 68 रन एक विकेट के नुकसान पे 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है। सिद्धार्थ कार्तिक की बात की जाए तो 21 रन पर पहुंच चुके हैं, 24 बॉल का सामना किया है, मात्र एक बाउंड्री उनके बैट से देखने को मिली है 4 रन। और उधर हरिंदर जीत की सिंह की बात की जाए तो 10 बॉल में मात्र 7 रन बनाए हैं 70 की स्ट्राइक रेट से, और सिद्धार्थ 87.5 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। अब्दुल राशिद आए नए बॉलर जो अपना पहला ओवर फेंकने के लिए तैयार हैं, पहला ओवर लेकर के आए हैं अब्दुल राशिद। सामने हैं हरिंदर जीत सिंह, अब्दुल राशिद का ये पहला ओवर पहली बॉल फेंकने के लिए तैयार हैं, हरिंदर जीत सामना कर रहे हैं। डॉट के साथ ओवर की शुरुआत की है अब्दुल राशिद ने, तो पहली बॉल डॉट निकलती हुई। हरिंदर जीत सिंह अब सामना करेंगे, अभी तक 7 रन बना पाए हैं केवल, 11 बॉल का सामना किया है, तो यहाँ पे सिंगल के लिए निकाला है थर्ड मैन की दिशा में, दो दो फील्डर पीछे लेकिन सिंगल ही मिलेगा, तो इसी सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 69 रन एक विकेट के नुकसान पर 9-2 पर। ओवर की तीसरी बॉल सामने सिद्धार्थ, सिद्धार्थ सिंगल निकालने की कोशिश लेकिन सामने फील्डर, कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट बॉल इस ओवर की दूसरी डॉट बॉल है ये, इससे पहले सिंगल निकाल लिया था हरिंदर जीत ने। ओवर की चौथी बॉल अब्दुल राशिद तो एक और डॉट बॉल निकलती हुई, इस ओवर की चौथी बॉल डॉट। सितार 26 बॉल में मात्र 21 रन बना पाए हैं,
काफी स्लो मूविंग है उनके बैट्स की, काफी स्लो स्लो रन देखने को मिल रहे हैं। काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे नजारा, फिर भी सिंगल निकाल लिया है राशिद सिद्धार्थ ने। तो सिद्धार्थ का निजी स्कोर 22 रन 27 बॉल का सामना करके, और हरेंद्र जीत 8 रन 12 बॉल का सामना करके बनाए हैं। और टीम के स्कोर की बात की जाए तो 70 रन एक विकेट के नुकसान पे 10वें ओवर की ये लास्ट बॉल पे फिर से सिंगल मिलेगा यहाँ पे। तो इसी सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, तो 10 ओवर की समाप्ति के बाद 71 रन एक विकेट के नुकसान पे स्ट्राइक की विकेट का स्कोर। स्ट्राइक की विकेट शुरुआत अच्छी की थी और उसके बाद फिर स्लो 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 मूविंग नजर आती रनों में। तो इस ओवर से मात्र 3 रन देखने को मिले, 3 डॉट और 3 सिंगल। तो गाइस यहां पे आधा गेम हो चुका है, 10 ओवर का गेम खत्म हो चुका है। तो 10 ओवर अभी और शेष हैं यहाँ पे, 10 ओवर के बाद। तो 10 ओवर में कितने रन और देखने को मिलेंगे, तो शुक्रिया है नए बॉलर यहाँ पे, शुक्री अपना पहला ओवर लेकर के आए हैं, शुक्री ए। शुक्रिया की पहली बॉल का सामना करेंगे हरिंदर जीत सिंह। तो डॉट के साथ ओवर की शुरुआत हो चुकी है, 11वें ओवर की पहली बॉल डॉट निकलती हुई। हरिंदर जीत फिर से सामना करेंगे दूसरी बॉल फिर से डॉट बॉल। और एम्पायर की अपील की थी LPW की, लेकिन एम्पायर ने नकारा यहां पे, और एक लेग बाई के रूप में एक रन और मिल जाएगा। तो इसी लेग बाई के एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 72 रन एक विकेट के नुकसान पे 10-3 पर। तो ओवर की चौथी बॉल पे सिंगल लेने की कोशिश, लेकिन सामने फील्डर, कोई रन नहीं मिलेगा। तो चौथी बॉल भी यहाँ डॉट बॉल निकलती हुई। तो ओवर की ये पांचवी बॉल, सिद्धार्थ सामना करेंगे, पांचवी बॉल पे सिंगल निकालेंगे इस। तो इसी सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 73 रन एक विकेट के नुकसान पे 10-5 पे। इस ओवर से मात्र एक रन देखने को मिला और एक लेग बाई के रूप में, तो 2 रन आए हैं इस ओवर से मात्र। तो ओवर की ये लास्ट बॉल सामने हरिंदर जीत ने हल्के हाथों से खेला है, सिंगल निकालेंगे। सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 74 रन एक विकेट के नुकसान पे 11 ओवर की समाप्ति के बाद। इस ओवर से मात्र, अच्छा तो डबल ले लिया, 2 चुरा लिए हैं, उसके बाद ओवर थ्रो का भी एक रन मिला यहाँ पे। तो इस ओवर थ्रो के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 75 रन एक विकेट के नुकसान पे 11 ओवर की समाप्ति के बाद। तो यहाँ पे करंट रन रेट 6-7 से भी नीचे आ चुकी है, 6.82 बची है। तो यहाँ पे गोवा 11 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन एक विकेट के नुकसान पे। अब्दुल राशिद फिर से आए अपना दूसरा ओवर लेकर के।
पहली बॉल डॉट निकलती हुई अब्दुल राशिद की, दूसरे ओवर की पहली बॉल डॉट बॉल, सिद्धार्थ सामना करेंगे फिर से दूसरी बॉल का, अब्दुल राशिद अपने दूसरे ओवर की दूसरी बॉल फेंकने के लिए तैयार है और दूसरी बॉल फिर से यहां पे डॉट बॉल निकलती हुई, दूसरी बॉल भी डॉट। अब्दुल राशिद ने पहले ओवर में मात्र 3 रन दिए थे और फिर से दूसरा ओवर लेकर के आए हैं, दूसरे ओवर की तीसरी बॉल, तीसरी बॉल पे एक सिंगल मिलेगा यहाँ पे सिद्धार्थ को, सिद्धार्थ अपने पहुंच चुके हैं 24 रन पर, 32 बॉल का सामना करके, 32 बॉल का सामना करके 24 रन और हरिंदर जी 17 बॉल का सामना करके मात्र 11 रन। तो चलिए ये ओवर की चौथी बॉल, और यहां पे किल्लियां उखाड़ दी हैं अब्दुल राशिद ने हरिंदरजीत सिंह की, हरिंदरजीत सिंह जाएंगे पवेलियन। तो यहां पे दूसरा विकेट गिरता हुआ स्ट्राइकी विकेट का, दूसरा विकेट हरिंदरजीत के रूप में, हरिंदरजीत 18 बॉल खेल करके मात्र 11 रन बना करके पवेलियन वापस जा रहे हैं। तो अब्दुल राशिद ने भी एक विकेट निकाल लिया है, इस बिल्कुल क्लीन बोल्ड कर दिया था हरिंदरजीत सिंह को। सरवीन आए नए बैट्समैन सरवीन। तो गाइस जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सी टीम यहां पे जीतने वाली है, कौन सी टीम जीतेगी, स्ट्राइक की विकेट या मलेशियन अर्मेड फोर्सेस में से कौन सी टीम यहां पे जीतने वाली है ये फाइनल मुकाबला, एमसीए टी20 कप 2022 का ये फाइनल मुकाबला। सरवीन सामना करेंगे सरवीन सुरेंद्रन, नए नए क्रीज पे अभी अभी आए हैं, तो इनका नजारा कुछ खास नहीं है। पिछले बस पहले मैच में इन्होंने 45 रन बनाए थे, बाकी फिर दूसरे मैच में 15, तीसरे मैच में 8 रन और चौथे मैच में मात्र 2 रन बनाए थे सेमीफाइनल में, इससे पिछले मैच में मात्र 2 रन बना करके आउट हो गए थे। तो कुछ खास नहीं है इनका सरवीन का वो, तो सरवीन सुरेंद्रन 1 रन अपना बना चुके हैं, अपना खाता खोल चुके हैं सिंगल के साथ। तो टीम का स्कोर 77 रन 2 विकेट के नुकसान पे 12 ओवर की समाप्ति के बाद। सुक्री फिर से आए हैं दूसरा ओवर लेकर के, पहले ओवर में मात्र 3 रन दिए थे उन्होंने, अब अपना दूसरा ओवर लेकर के आए हैं सरवीन सुरेंद्रन और सिद्धार्थ कार्तिकेय, दोनों क्रीज पे मौजूद। सिद्धार्थ ओपनिंग में आए थे और 32 बॉल का सामना किया है, 24 रन बनाए हैं एक चौके की मदद से। चलिए शुक्री रहीम, तो शुक्री रहीम के पहले ओवर में 3 रन दिए थे और दूसरे ओवर में पहली बॉल पर 2 या 3 रन भाग लिए हैं, 3 रन भाग लिए हैं, तो 3 रन मिल चुके हैं यहाँ पे और इसी 3 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 80 रन 2 विकेट के नुकसान पर 12-1 पर। सुक्री अपने दूसरी ओवर की दूसरी बॉल फेंकने के लिए तैयार हैं, सामना करेंगे सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कार्तिकेय, सिद्धार्थ कार्तिकेय अभी तक 24 रन बनाए, मात्र 32 बॉल का सामना किया है
और फिर से सामना करेंगे। दो ओवर की दूसरी बॉल और काफी ऊंची जा रही है, कितना ऊंची जा रही है, लेकिन फील्डर पीछे भाग रहा है और यहाँ पे विकेट भी मिलेगा। सिद्धार्थ कार्तिकेय का कैच आउट होता हुआ। तो यहाँ पे तीसरा विकेट गिरता हुआ टीम का सिद्धार्थ के रूप में। सिद्धार्थ मात्र 24 रन बना पाए 33 बॉल का सामना करके और पवेलियन वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पे तीसरा विकेट गिरता हुआ स्ट्राइक की विकेट का तीसरा विकेट। 80 पे 3 हो चुके हैं, 12 बॉल 2 विकेट 2 ओवर, 12 ओवर 2 बॉल पर। सिकरी ने भी अपना विकेट निकाल लिया है यहाँ। प्रमोद बाल हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। नीलम शर्मा जुड़े हैं हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विकेट विकेट दोनों मांग रहे थे, तो दोनों बिल्कुल यहाँ पे विकेट उनकी काइज पूरी हो चुकी है, विकेट भी गिर चुके हैं यहाँ पे। चलिए निरोशन आए हैं, निरोशन द डिसिल्वा, निरोशन डिसिल्वा ने निकाल दिया है पहले ही, सिंगल के लिए निकाला है। तो सिंगल के साथ अपना खाता खोलेंगे, आते ही अपना खाता खोल लिया है। नहीं, सर्विन ने ये मारा था, चलिए अभी नहीं खाता खोला है, अब पहली बॉल का सामना करेंगे दी डिसिल्वा। डी सिल्वा का देख लेते हैं किस ओवर में कितने कितने रन बनाए हैं। तो इस टूर्नामेंट में मात्र 2 मैच खेले हैं उन्होंने, तो 2 मैच में एक में 9 बनाए और एक में 4 बनाए हैं, तो उनका कुछ खास प्रदर्शन नहीं है। कल के मैच में भी 4 रन बनाए थे और पवेलियन वापस चले गए थे, और आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, वो आगे देखने वाली बात रहेगी। चलिए चलते हैं मैच की तरफ। तो इसी सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, 13 ओवर की समाप्ति के बाद 83 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और गाइस जैसे बता दें स्ट्राइक की विकेट के यहाँ पे बॉलर भी बहुत ही बेहतरीन है, बॉलर की वजह से यहाँ जीत करके पहुंची है फाइनल में। तो डिपेंड करता है उनके बॉलरों पे भी, बॉलर काफी अच्छे हैं उनके रन नहीं बनने देते हैं और विकेट भी निकालते रहते हैं साथ ही साथ, वो देखने वाली बात रहेगी आज के मैच की, क्या उनके बॉलर कमाल कर सकते हैं। बैट्समैन कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, 83 रन बना पाए मात्र 3 विकेट खोकर के 13 बॉल का ओवर की समाप्ति के बाद। यहाँ पे चौथ अब्दुल राशिद फिर से आए अपना तीसरा ओवर लेकर के, और ये फुल टॉस, यहाँ पे फुल टॉस मिल जाएगा चौका। तो पहली बॉल पर चौका लगा चुके हैं सरवीन, सरवीन पहुंच चुके हैं 10 रन पर 6 बॉल का सामना करके, और टीम का स्कोर 87 रन 3 विकेट के नुकसान पे 13-1 पर। पहली बॉल पर चौका, दूसरी बॉल अब्दुल राशिद के बल ओवर की, तीसरे ओवर की दूसरी बॉल, और फिर से भाग लिया है काफी तेज, दो दो प्लेयर आगे पीछे भाग रहे हैं और यहाँ पे 2 रन निकाल लेंगे। सिंगल ही निकाला है, 2 नहीं निकाले हैं, तो सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 88 रन 3 विकेट के नुकसान पर 13-2 पर। अब निरोशन दी डिसिल्वा सामना करेंगे ओवर की तीसरी बॉल। तो चलिए तीसरी बॉल डॉट बॉल,
निरोसन डी सिल्वा इस टीम के कैप्टन भी हैं और कैप्टन से उम्मीदें रहेंगी कि अपने मैच को आगे बढ़ा के ले जाएं। तो यहाँ पे शायद स्टंप आउट कर दिया गया है क्योंकि वो चले गए वापस पवेलियन। तो स्टंप आउट होकर के पवेलियन वापस चले गए निरोसन डी सिल्वा। कैप्टन वाली भूमिका नहीं निभाई उन्होंने, मात्र एक रन बना करके पवेलियन वापस चले गए। तो चलिए यहाँ पे चौथा विकेट गिरता हुआ टीम का, 88 रन 4 विकेट के नुकसान पे 13 ओवर 4 बॉल में। नए बैट्समैन कौन आने वाले हैं चलिए बताते हैं आपको, अपडेट देते हैं कौन से नए बैट्समैन आए हैं। 14 नंबर जस्सी वाले आए हैं, अब्दुल राशिद काफी बेहतरीन साबित हो चुके हैं, शंकर आए नए बैट्समैन। अब्दुल राशिद ने 2 विकेट निकाले हैं इस ओवर, अपने इस तीसरे ओवर से, पहले ओवर में शायद निकाला था, तो उनकी टोटल 2 विकेट हो चुके हैं, मात्र 10 रन दिए हैं और 2 ओवर 4 बॉल में। शंकर सतीश का भी देख लेते हैं क्या कुछ नया है इनका करिश्मा। तो इस टूर्नामेंट में ये अभी तक 3 मैच खेले हैं, तो पहले मैच में इन्होंने 5 रन बनाए थे, फिर दूसरे मैच में 27 रन 16 बॉल का सामना करके, और बाकी इससे कल वाले मैच में 9 बॉल का सामना करके 10 रन बनाए थे। तो कुछ बड़ा भी कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं है क्योंकि 16 बॉल में 27 रन भी बना चुके हैं। अगर कोई प्लेयर 5वें स्थान पर आ रहा है और 16 बॉल में 27 रन बनाता है तो काफी अच्छा प्रदर्शन है उनका। तो 5वीं बॉल यहाँ पे डॉट निकलती हुई और 6वीं बॉल भी डॉट, इसी डॉट के साथ ओवर की समाप्ति। तो 88 रन 4 विकेट के नुकसान पे 14 ओवर की समाप्ति के बाद, तो 14 ओवर का गेम यहाँ हो चुका है और 6 ओवर का गेम बाकी है अभी। 6 ओवर में कितने रन और आ सकते हैं, क्या 140 और 150 के आसपास पहुंच पाएगी टीम? मुझे नहीं लगता कि आगे पहुंच पाएगी 120 के, काफी स्लो मूविंग हो चुकी है, रनों की रफ्तार काफी घटी है। सुक्री अपना 3रा ओवर लेकर के आए हैं। सुक्री के 2 ओवर की दूसरी बॉल भी डॉट बॉल, पहली बॉल डॉट और दूसरी भी बॉल डॉट। तो 2 ओवर 2 बॉल में 9 रन दिए मात्र और 1 विकेट भी निकाल के दिया है। 2 ओवर की तीसरी बॉल फिर से डॉट बॉल देखने को मिली। तो गाइस बिल्कुल मुझे तो लग रहा है कि 120 से ऊपर नहीं जाएगी इस हिसाब से खेल रही है। चलिए सिंगल निकाल लेंगे, सिंगल मिल जाएगा, काफी मशक्कत के बाद सिंगल निकाला है सरवीन ने। लेक भाई, वो भी लेक भाई के रूप में है। तो इसी 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 89 रन 4 विकेट के नुकसान पे 14 की 4 पर। तो 4 बॉल हो चुकी है इस ओवर की, अभी भी 2 बॉल बाकी है। 2 बॉल में कोई बाउंड्री देखने को मिलेगी या विकेट, ये आगे चल देखने वाली बात रहेगी। तो चलिए हल्के हाथों से खेला हुआ सिंगल रन के लिए, तो सिंगल रन मिलेगा यहाँ पे। तो इसी सिंगल के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 90 रन 4 विकेट के नुकसान पे
14 की 5 पर। और फिर से सिंगल निकाला है, फिर से सिंगल मिलेगा, तो सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। तो 15 ओवर की समाप्ति के बाद 91 रन लॉस ऑफ 4 विकेट, तो 91 रन 4 विकेट के नुकसान पे 15 ओवर की समाप्ति के बाद। तो गाइस जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कितना रन बनेगा इस पहली इनिंग में। मेरा अनुमान तो 120 के आसपास है, और आप भी कमेंट करके बताइए कि कितना रन बनेगा फर्स्ट इनिंग का। तो जल्दी जल्दी से कीजिए कमेंट, और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। यहाँ पे 15 ओवर का गेम हो चुका है, अभी भी 5 बॉल बाकी है, 5 ओवर बाकी है यहाँ पे। तो अब्दुल राशिद फिर से आए अपना 4th ओवर लेकर के। अब्दुल राशिद 11 रन दे चुके हैं अपने 3 ओवर 1 बॉल में, 2 विकेट भी निकाले हैं। अब्दुल राशिद फिर से फेंकने के लिए तैयार हैं दूसरी बॉल पे यहां पे सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ, और 2 रन के लिए भी भाग लिए हैं, तो 2 रन मिल जाएंगे। फील्डिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, उसके चलते 2 रन मिल जाएंगे, 1 रन की जगह पे 2 रन चुरा लिए, तो 94 रन 4 विकेट के नुकसान पर 15 की 2 पर। अब्दुल राशिद फिर से अपने तीसरी बॉल फेंकने के लिए तैयार है। शंकर सतीश सामना करेंगे। शंकर सतीश ने उठाया है काफी ऊंची और काफी लंबा भी, और 6 रन, तो शंकर सतीश के बल्ले से ये 6 रन निकलता हुआ। तो इसी 6 के साथ टीम का स्कोर 100 हो जाएगा, पूरा 100 6 के साथ। तो इस 6 के साथ पूरा शतक बनाया है टीम ने मिलकर के, 4 विकेट खोकर के 15 की 3 पर। तो अभी भी गाइस कमेंट करके बताइएगा स्कोर कहां तक जाने वाला है। अभी भी यहां पे 4 ओवर 3 बॉल बाकी हैं, और शंकर सतीश फिर से सामना करेंगे अब्दुल राशिद के 4th ओवर की 4th बॉल, और फुल टॉस पे यहाँ पे दिया है, और सामने फील्डर एक और विकेट यहाँ पे गिरता हुआ। तो शंकर सतीश को भी पवेलियन वापस जाना पड़ेगा यहाँ पे कैच आउट के रूप में, एक और विकेट गिरता हुआ। तो 100 पे 5 विकेट और 15 की 4 पर। तो शंकर सतीश भी पवेलियन वापस 6 बॉल का सामना करके 9 रन बनाए थे। तो सरवीन एम और सरवीन एस, सुरेंद्रन और मुनंडी, सरवीन एम यहां पे सामना करेंगे। तो अब्दुल राशिद की ये ओवर की लास्ट बॉल, तो चलिए अब्दुल राशिद के पूरे स्केल पूरा हुआ। उन्होंने 4 ओवर में मात्र 20 रन दिए और 3 विकेट निकाल के दिए। अब्दुल राशिद काफी अच्छे साबित हुए अपने टीम के लिए।
उन्होंने 3 विकेट निकाल के दिए अपने 4 ओवरों में और मात्र 20 रन दिए 5 की स्ट्राइक रेट से। तो चलिए यहाँ पे 16 ओवर की समाप्ति के बाद 101 रन 5 विकेट के नुकसान पे। तो गाइस अभी भी कमेंट करके बताइएगा यहाँ पे स्कोर कहाँ तक जाने वाला है, तो जल्दी जल्दी से कीजिए कमेंट। मेरा तो पहले भी 120 था और अब भी 120, तो आप भी कमेंट करके बताइएगा यहाँ पे कहाँ तक जाने वाला है स्कोर, तो जल्दी जल्दी से कीजिए कमेंट। 16 ओवर की समाप्ति के बाद 101 रन 5 विकेट के नुकसान पे, अभी भी 5 विकेट मौजूद हैं, फिर भी यहाँ पर रन नहीं देखने को मिल रहे हैं। सुक्री फिर से आए अपना ओवर का 4th ओवर लेकर के अपने स्केल का। तो चलिए पहली बॉल यहाँ डॉट निकलती हुई, पहली बॉल शुरुआत हो चुकी है पहले डॉट बॉल से। सर्विन एम सामना करेंगे और यहाँ एम्पायर का इशारा फिर से डॉट बॉल का, तो एक और डॉट बॉल सुक्री। सुक्री 1 विकेट निकाल चुके हैं, 11 रन दिए हैं और 4th ओवर जारी है उनका। 4th ओवर की तीसरी बॉल पे कुछ नया करने की कोशिश, लेकिन सिंगल ही मिलेगा। तो इसी सिंगल के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 102 रन 5 विकेट के नुकसान पे। तो बिल्कुल गाइस यहाँ पे कुछ कमेंट कीजिए कि यहाँ पे कितना स्कोर बनने वाला है फर्स्ट इनिंग में। और ये बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए उठा दिया है सरवीन सुरेंद्रन ने 6 रन। काफी देर के बाद यहां पे छक्का देखने को मिला है, इससे पहले ओवर में भी देखने को मिला था, लेकिन उसी छक्के के साथ उनका विकेट भी जा चुका था। तो ओवर की ये 5वीं बॉल फिर से यहां पे हल्के हाथों से खेला, सिंगल के लिए सिंगल निकालेंगे। सिंगल के साथ बढ़ता हुआ टीम का स्कोर 109 रन 5 विकेट के नुकसान पे 16 की 5 पर। इस ओवर की अभी भी लास्ट बॉल बाकी है अपने स्केल का। सुक्री अपने स्केल का लास्ट बॉल फेंकने के लिए तैयार हैं, सामने सरवीन एम। तो चलिए इस डॉट के साथ ओवर की समाप्ति। तो 17 ओवर की समाप्ति के बाद 109 रन 5 विकेट के नुकसान पे। सियाजुरुल इजाज फिर से आए अपना दूसरा ओवर लेकर के, उन्होंने पहला ओवर फेंका था और 14 रन दिए थे। तो अब काफी देर के बाद उन्हें लाया गया, पहले ओवर दिया था उसके बाद 18वां ओवर उन्हें मिल रहा है, तो 18वां ओवर फेंकेंगे क्योंकि पहले ओवर में वो 14 रन दे चुके थे। तो उस टाइम सैयद अजीज बैटिंग कर रहे थे, तो उनके सामने कोई भी बॉलर नहीं टिक पाता है, तो ये तो ठीक है जो भी है। अब उनको 18 ओवर में लाया गया है सियाजुरुल इजाद अपने ओवर की पहली बॉल पर शायद सिंगल मिलेगा, बिल्कुल सिंगल पूरा किया है। तो एक सिंगल के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 110 रन 5 विकेट का नुकसान पे 17 की 1 पर। 17 ओवर की पहली बॉल पर सिंगल निकाला है
सरवीन सुरेंद्रन की बात की जाए तो 17 बॉल का सामना किया और 21 रन बना चुके हैं अभी तक, एक चौका और एक छक्के की मदद से। सरवीन मुनेंडी ने उठा के मारा और पीछे फील्डर और एक और विकेट यहां पे गिरता हुआ। सरवीन मुनेंडी यहां पे पवेलियन वापस जाएंगे मात्र 2 रन बना करके, 5 बॉल का सामना कर लिया किया था। तो गाइस यहां पे 6ठा विकेट भी गिरता हुआ, 110 पर 6 विकेट 17-2 पर। तो 6 विकेट के नुकसान पे 110 रन 17-2 पर। अब नबीले आए हैं, नबीले नए बैट्समैन, चलो इनके बारे में कुछ देखते हैं। नबीले तो गाइस इस टूर्नामेंट में इनका कुछ खास नहीं है, क्योंकि पहले मैच में 2 बॉल में और 7 रन बनाए थे, उसके बाद फिर तीसरे बॉल में इन्हें मौका नहीं मिला। लेकिन बॉलिंग इनकी बेहतरीन है, बॉलिंग की बात की जाए तो इनकी काफी बेहतरीन बॉलिंग है। तो इससे एक मैच में 3 विकेट निकाले, दूसरे में 3 निकाले, फिर तीसरे में सिंगल निकाला। तो रनिंग में तो खैर ये 0 हैं, तो कुछ उम्मीदें हैं नहीं इनसे, फिर भी देखते हैं कुछ कर पाएंगे। तो चलिए फिर भी सिंगल निकाल लिया है उन्होंने, तो इसी सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 111 रन 6 विकेट के नुकसान पर 17-3 पर। तो गाइस अभी भी कुछ नहीं है, देखते हैं कितना क्या रन बनाते हैं, क्योंकि अभी भी यहां पे 2 ओवर 3 बॉल बाकी हैं, यानी 15 बॉल का गेम अभी और बाकी है। यहां पे 15 बॉल में कितने रन और आ सकते हैं, और यहां एक और सिंगल रन मिलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी, लिया है कि नहीं, ले लिया है, एक रन चुरा लिया। तो इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 112 रन 6 विकेट के नुकसान पर 17-4 पर। सियाजुल इजाद अपने ओवर की पांचवी बॉल पे सिंगल ही मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल चुरा लिया एक सिंगल, इसी सिंगल के साथ 113 रन 6 विकेट के नुकसान पे 17-5 पर। तो गाइस जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए, अभी भी यहां पे 13 बॉल बाकी है, 13 बॉल में कितने और रन आ सकते हैं, क्या 13 बॉल में 13 रन देखने को मिल सकते हैं। तो एक और विकेट यहां पे शायद कैच आउट के रूप में, क्योंकि विकेट मुझे लग रहा है, हाँ बिल्कुल गिरा है विकेट, तो एक और विकेट गिरा है यहां पे, तो 113 पे 7 विकेट हो जाएगा 18 ओवर की समाप्ति के बाद। 7 विकेट इस ओवर से, 2 विकेट निकाली हैं सियाजुल इजाद ने, 2 विकेट निकाले इस ओवर से, उन्होंने अपना एवरेज पूरा कर लिया है, क्योंकि पहले ओवर में उन्होंने 14 रन खाए थे, उसके बाद उन्हें ओवर नहीं दिया गया था, फिर 18वें ओवर में उन्हें लाया गया है, 18 ओवर में मात्र 3 रन दे करके 2 विकेट निकाल लिए। तो चलिए गाइस 113 रन 7 विकेट के नुकसान पर 18 ओवर की समाप्ति के बाद।
वाही वाही है नए बैट्समैन। और गाइस जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। स्ट्राइक की विकेट चलिए 113 सात विकेट के नुकसान पे 19वां ओवर 19वें ओवर की पहली बॉल पर सिंगल निकाला है। इसी सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 114 रन सात विकेट के नुकसान पे 18-1 पर। मोहम्मद नौरजीरा आए हैं नए बॉलर के रूप में। वो स्मार्ट अभी पहला ही ओवर लेकर के आए गाइस, तो पहली बॉल पर एक सिंगल रन मिल चुका है वहां पे। तो गाइस जो आपको स्कोर दिख रहा है वो थोड़ा सा लेट है उनकी साइड की तरफ से, तो कोई दिक्कत नहीं है। 114 रन हो चुके हैं सात विकेट के नुकसान पर 18-1 पर। और उठा करके मारा है और नीचे फील्डर है, एक और विकेट यहाँ पे गिरेगा। मोहम्मद नूर विजा को एक और विकेट मिला है, एक विकेट और गिर चुका है। तो गाइस यहाँ पे 114 पे 8 विकेट हो चुके हैं और 18 की दूसरी बॉल पर 114 रन 8 विकेट के नुकसान पर 18-2 पर। तो मुझे नहीं लग रहा गाइस 120 भी रन बना पाएंगे ये। अभी भी 10 बॉल का गेम बाकी है, यहाँ पे 10 बॉल के बाद पता चलेगा कि क्या 120 रन पूरा कर पाते हैं या नहीं। मात्र 2 विकेट से 114 8 विकेट के नुकसान पे 18-2 पर। तो गाइस थोड़ा स्कोर कार्ड में अपडेट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो कोई बात नहीं। आप स्कोर तो मैं बता ही रहा हूँ 114 8 विकेट के नुकसान पर 18-2 पर। ओवर की ये तीसरी बॉल 19वें ओवर की तीसरी बॉल पे सिंगल मिल जाएगा बड़े आराम से निकाल लिया है। और एक सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पे 115 रन 8 विकेट के नुकसान पर 18-3 पर। तो गाइस जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए चलते हैं ओवर की तरफ और एक और सिंगल निकाल लेंगे। तो इसी सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 116 रन 8 विकेट के नुकसान पर 18-4 पर। तो इसी सिंगल के साथ शायद 120 पूरे अपने ओवर रन करने की कोशिश करेंगे। 120 तो स्कोर होना चाहिए जिससे उनके बॉलर यहाँ पे टक्कर ले सके। उनके बॉलर काफी अच्छे हैं, स्ट्राइक की विकेट के बॉलर काफी बेहतरीन है, काफी अच्छे हैं, काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं अपने बलबूते पे। यहाँ पे फाइनल तक ले करके गए हैं अपनी टीम को, तो आज भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा उनके बॉलरों को। और यहाँ पे एम्पायर नहीं, यहाँ पे सिंगल मिलेगा। मैं सोच रहा था विकेट को टच करती हुई गई है, लेकिन नहीं, यहाँ पे सिंगल ही मिलेगा। तो इसी सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 117 रन 18 ओवर 5 बॉल पर 8 विकेट के नुकसान पे। मोहम्मद नूर विजा अपने ओवर की लास्ट बॉल फेंकने के लिए तैयार है। तो चलिए डॉट के साथ ओवर की समाप्ति। तो 19 ओवर की समाप्ति के बाद 117 रन 8 विकेट के नुकसान पे। तो गाइस जल्दी जल्दी से बिल्कुल आउट तो अब मुश्किल है क्योंकि 2 विकेट बचे हैं और 1 ओवर भी बचा है। और देखने वाली बात रहेगी क्या इससे ओवर में विकेट मिलेगा। और गाइस जिन्होंने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया।
सियाज रोली याद फिर से आए अपना तीसरा ओवर लेकर के, पिछले ओवर में दो विकेट निकाल के दिए थे अपनी टीम को, क्या इस ओवर में भी निकाल के देंगे। चलिए सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ गेम, 118 रन 8 विकेट के नुकसान पे 19 की एक पर, तो 120 का तो टारगेट उन्होंने पूरा कर लिया है। जैसे हमने बताया था, कमेंट भी मैंने करके बताया है कि 120 के आसपास रन बनेगा, तो बिल्कुल मेरा कमेंट सबसे बेहतर है यहाँ पे। और किसी ने कमेंट किया नहीं है तो जल्दी जल्दी से कीजिए कमेंट, 120 को पार कर पाएगी या नहीं। तो चलिए गाइस, ओवर की दूसरी बॉल, यूसुफ अजियान एक और सिंगल चुराएंगे, इसी सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 119 रन 8 विकेट के नुकसान पे 19 की दो पर। सरवीन काफी अच्छे रन बना रहे हैं, उन्होंने ये अपनी टीम को आगे ले गए हैं, नहीं तो 100 से भी कम रन बनता, 27 रन बना करके खेले हैं, 23 बॉल का सामना किया है और फिर से उठाया है, काफी ऊंचा है, क्या यहाँ पे विकेट देखने को मिलेगा। फील्डर भाग रहा है और बिल्कुल, और कैच ड्रॉप हुआ है गाइस, यहाँ पे कैच ड्रॉप हुआ है, एक और विकेट मिल जाता है यहाँ पे, लेकिन कैच ड्रॉप हो गया है, तो दो रन मिलेंगे इसी दो रन के साथ 121 रन 8 विकेट के नुकसान पे 19 की तीन पर। काफी आसान कैच हो सकता था लेकिन नहीं ले पाए, तो उसके चलते दो रन और मिल जाएंगे टीम को, तो टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 121 रन 8 विकेट के नुकसान पे 19 की तीन पर। तो गाइस धीरे धीरे मैच अपडेट हो रहा है धीरे धीरे से। चलिए चौथी बॉल यहां पे डॉट, तो अभी मात्र दो बॉलें बची हैं, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ऐसे ही आपको हिंदी कमेंट्री आपको सुनने को मिलेगी। तो चलिए ओवर की ये पांचवी बॉल, चलिए पांचवी ओवर पर सिंगल निकाल लिया है, सिंगल के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 122 रन 8 विकेट के नुकसान पर 19 की पांच पर। मात्र एक बॉल बाकी है इसी इनिंग के, सिर्फ एक बॉल, क्या एक बॉल पे विकेट निकालेंगे। दो विकेट पिछले ओवर में निकाले थे इन्होंने, सियाजुरुल इजाद अपने ओवर की लास्ट बॉल पर सिंगल चुरा लिया है, या रन आउट होंगे, और एक सिंगल चुरा लिया है। चलिए इसी सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, तो 123 रन बना चुकी है स्ट्राइक की विकेट 123 रन 8 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर की समाप्ति के बाद। तो गाइस यहां पे पहली इनिंग 123 रन तो MAF को यहाँ पे जीतने के लिए 124 रन बनाने हैं 20 ओवर में 10 विकेट के चलते। तो मलेशिया आर्मेड फोर्सेस को जीतने के लिए 124 रन बनाने हैं, मात्र 124 रन 20 ओवर में। तो पहली इनिंग यहाँ पे समाप्त हो चुकी है और 5 मिनट का होगा यहाँ पे इनिंग ब्रेक, तो 5 मिनट के बाद फिर से यहाँ पे मैच स्टार्ट होगा, दूसरी इनिंग का प्रारंभ होगा 5 मिनट बाद, यानी 8:50 पे फिर से शुरुआत होगी इस मैच की। ये MCA T20 टूर्नामेंट का ये फाइनल मुकाबला,
तो बिल्कुल गाइस कुछ इस तरह से है।
हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल आप सभी के, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, पहले ओवर में 5 बॉल में 4 रन आ चुके हैं, 1 चौका लगा है, बाकी 4 डॉट बॉलें आई थी। तो एक और बैक टू बैक चौका यहां पे, तो लगातार 2 चौके देखने को मिले हैं। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सी टीम जीतने वाली है गाइस, तो जल्दी जल्दी से कीजिए कमेंट। तो चलिए, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बिना किसी नुकसान के। एमएएफ का स्कोर पहले ओवर में 8 रन। सैयद अजीज आए फिर से। और सैयद अजीज की बात की जाए तो बैटिंग में काफी बेहतरीन इन्होंने प्रदर्शन दिखाया इस टूर्नामेंट में, और अपने बॉलिंग पे भी आ गए हैं, तो बॉलिंग का भी इनका देख लेते हैं। बॉलिंग में भी हर एक मैच में वो बॉलिंग करते हैं ये गाइस, तो कई मैचों में इन्होंने रन विकेट निकाल के दिए हैं, और रन भी काफी अच्छे खाते हैं, रन भी इनके ओवर में पड़ते हैं, तो विकेट भी निकाल लेते हैं कभी कभी। तो गाइस चलिए कोई बात नहीं है, तो ये बैट्समैन है ज्यादातर ऐसे। तो चलिए गाइस, पहले वो बॉल पर सिंगल निकाल लिया है। हैरिल सामना करेंगे अब, हैरिल 2 चौके लगा चुके हैं पिछले ओवर में। तो पिछले ओवर की 4-6 बॉलें खेले थे, तब 2 चौके लगाए थे लास्ट बॉलों पे, और इस बॉल पे सिंगल भी नहीं अभी मिला है, सिंगल डॉट मिला है। तो 7 बॉल खेल करके मात्र 8 रन बनाए हैं। हैरिल फिर से उठा करके माना जाते थे, और यहाँ पे विकेट आउट, मारना उठा करके मारना जाते थे, थोड़ी बल्ले को टच करती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। तो पहला विकेट यहाँ पे गिरता हुआ हैरिल के रूप में। हैरिल 8 रन बना करके पवेलियन वापस जाएंगे। तो यहाँ पे पहला विकेट गिरता हुआ, 9 रन 1 विकेट 2 की 3 पर। तो बिल्कुल गाइस, यहाँ पे पहला विकेट गिरता हुआ, जैसे कि मैंने बताया था, सैयद अजीज रन काफी देते हैं लेकिन विकेट भी अपनी टीम के लिए निकालते हैं, तो यहाँ पे विकेट भी निकाल लिया है उन्होंने। मोहम्मद नूरवरा और उनके साथ देने के लिए कौन से बैट्समैन आने वाले हैं। मोहम्मद नूर वीरा। मोहम्मद रजमान आए हैं नए बैट्समैन के रूप में। मोहम्मद रजमान की बात की जाए तो क्या इनका स्कोर है इस टूर्नामेंट में, मात्र 2 मैच खेले हैं, और 27-8 को जिन्होंने खेला था यानी कल, उसमें 33 रन बनाए थे 28 बॉल का सामना करके, तो ये रन भी मार सकते हैं। तो बॉलिंग तो नहीं करते हैं, तो लेकिन रन ही मारेंगे बैट्समैन है, तो देखते हैं क्या कर पाते हैं ये। चलिए डॉट बॉल निकलती हुई, चलिए ओवर की 5वीं बॉल सैयद अजीज। तो एक और डॉट बॉल निकलती हुई,
चले तो ओवर की समाप्ति। तो इस ओवर से मात्र एक रन आया और विकेट भी मिला, तो दो ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन एक विकेट के नुकसान पे MAF का स्कोर। भले ही कम रन बने हैं लेकिन इस टाइप की विकेट यहां पे जबरदस्त टीम साबित होने वाली है। जबरदस्त 18 ओवर में 115 रन अभी भी जरूरत है यहां पे बनाने के लिए। नेविल फिर से आए दूसरा ओवर लेकर के। पहले ओवर में 8 रन दिए थे और दूसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है डॉट के साथ। तो देखने वाली बात रहेगी यहाँ पे फाइनल कौन सी टीम जीतने वाली है, कौन सी टीम अपना ताज लेकर के जाएगी यहाँ पे फाइनल की ट्रॉफी। एक और डॉट बॉल यहाँ पे, और यहां पे रन आउट होने का चांस। चलिए डॉट के साथ आगे बढ़ता हुआ मैच, तो 10 रन एक विकेट के नुकसान पे 2 की 4 पर। नेविल अपने ओवर की पांचवी बॉल फेंकने के लिए तैयार है। मोहम्मद रिजवान सामना करेंगे, अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाए हैं, 4 बॉल का सामना किया है उन्होंने। चलिए पांचवी बॉल भी यहां डॉट निकलती हुई। मोहम्मद रिजवान अभी तक कोई अपना खाता नहीं खोल पाए हैं, 5 बॉल का सामना किया है अभी तक, 5 बॉल में कोई रन नहीं बना पाए अभी तक। एक और डॉट बॉल इसी डॉट के साथ ओवर की समाप्ति। इस ओवर से मात्र 1 रन आया, तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन एक विकेट के नुकसान पे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि स्ट्राइक की विकेट के बॉलर काफी बेहतरीन है, विकेट भी निकालते रहते और रन भी नहीं देते हैं। तो इस ओवर से मात्र 1 रन आया 3 ओवर की समाप्ति के बाद, मात्र 10 रन एक विकेट के नुकसान पे। तो चलिए गाइस यहाँ पे चौथे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। चौथा ओवर लेकर आए सैयद अजीज फिर से। पहले ओवर में उन्होंने एक विकेट निकाला था और 1 रन दिया था। और गाइस ये बॉलर भी हैं और बैट्समैन भी, सबसे ज्यादा इन्हीं के रन है पूरे टूर्नामेंट में। सिंगल निकाल लिया है मोहम्मद नूर विरा 3 रन बना करके खेल रहे हैं, 5 बॉल का सामना किया है। और मोहम्मद रिजवान 6 बॉल में अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाए हैं।
पहले ओवर की तीसरी बॉल, तीसरी बॉल का सामना करेंगे मोहम्मद रिजवान और ठा करके मारना चाहते थे लेकिन मिस हुए, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल। तो 3-2 for 11 एक विकेट के नुकसान पे। स्ट्राइकी विकेट के भले ही रन कम है लेकिन जीतना इतना आसान नहीं है उनके बॉलरों से, उनके बॉलर काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया इसी टूर्नामेंट में। यहां पे लग रहा है बाउंड्री हो जाएगी लेकिन फील्डर काफी चुस्त, उससे भी मात्र 2 run मिलेंगे। इसी 2 run के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 13 run एक विकेट के नुकसान पे 3-3। चलिए एक और डॉट बॉल। तो इस ओवर से अभी तक 3 run आए हैं सैयद अजीज, ऑलराउंडर, काफी बेहतरीन ऑलराउंडर हैं ये। ओपनिंग में आते हैं बैट्समैन की बैट्समैन में और ओपनिंग में ही ताबड़तोड़ बैटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो एक और सिंगल चुराते हुए बड़े आराम से एक सिंगल चुरा लिया है। तो इसी एक सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 14 run एक विकेट के नुकसान पे 4-3-5। तो 16 over एक बॉल में 110 run बनाने हैं तो टारगेट कुछ ज्यादा नहीं है, अगर कोशिश करेगी तो जीत भी सकती है। चलिए ओवर की लास्ट बॉल, लास्ट बॉल पे फिर से सिंगल मिलेगा एक सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति 15 run एक विकेट 4 over की समाप्ति के बाद। मलेशियन एरेसिस फोर्सेस का ये स्कोर। तो फिलहाल अभी अभी एक विकेट गिरा था और दूसरे विकेट की डिमांड आ चुकी है वगेला किशन की। चलिए देखने वाली बात रहेगी क्या उनकी विश पूरी होती है, विकेट गिरेगा यहाँ पे। यूसुफ अजियान आए हैं नए बॉलर, पहला ओवर लेकर के हैं यूसुफ अजियान। और यहां पे रन आउट होने का चांस लेकिन मिस किया और प्लेयर वापस चले गए थे, इसलिए अगर रन लेने की कोशिश करते तो बिल्कुल यहां पे रन आउट हो सकता था लेकिन मना किया तो इसलिए बाल बाल बचे। यूसुफ यूसुफ अपने ओवर की दूसरी बॉल सामने मोहम्मद रिजिया नूरबीरा ने उठा करके मारा है, फील्डर को मिस करती हुई सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 run के लिए।
तो इसी चौके के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 119 रन एक विकेट के नुकसान पे। हल्के हाथों से खेला, सिंगल निकालेंगे, सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन एक विकेट के नुकसान पे 4-3 पर। यूसुफ इजियान अपना पहला ओवर लेकर के आए, 3 बॉल में 5 रन दे चुके हैं। यूसुफ फेंकने के लिए, चौथी बॉल फेंकने के लिए तैयार हैं। मोहम्मद रिजवान, रिजवान सामना करेंगे, अभी तक 3 रन बना चुके हैं, मात्र 10 बॉल का सामना किया है मोहम्मद रिजवान। तो चलिए एक और सिंगल निकालेंगे, यहाँ पे एक सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन एक विकेट के नुकसान पर 4-4 पर। एमएएफ का स्कोर, एमएएफ को अभी भी 103 रन बनाने हैं जीतने के लिए 15 ओवर 2 बॉल में। और एक और निकाला है बेहतरीन शॉट यहाँ पे, तो एम्पायर का इशारा 4 रन एक जबरदस्त शॉट। तो इसी चौके के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन एक विकेट के नुकसान पे 4-5 पर। तो ओवर की ये लास्ट बॉल, यूसुफ अपने ओवर की लास्ट बॉल, नूरबीरा सामना कर रहे हैं, नूरबीरा ने फिर से घुमा करके मारा है और सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो एक और बैक टू बैक चौका, तो इसी चौके के साथ बढ़ता हुआ टीम का स्कोर 29 रन एक विकेट के नुकसान पे 5 ओवर की समाप्ति के बाद। तो 5 ओवर का गेम हो चुका है, यहाँ पे एक विकेट भी गिरा है और 29 रन भी आ चुके हैं। मोहम्मद नूरबीरा अपने फॉर्म में वापस नजर आते हुए, क्योंकि यहाँ पे 2 चौके लगातार दे चुके हैं, इसी 2 चौके की मदद से 29 रन बनाने में कामयाब हो गई है एमएएफ। मैप को अभी भी जीतने के लिए 15 ओवर में 95 रन की जरूरत है, 6.33 पर ओवर। सैयद अपना 3रा ओवर लेकर के आए हैं, तो पहली बॉल डॉट निकलती हुई, पहली बॉल डॉट बॉल। मोहम्मद रिजवान काफी स्लो खेलते हुए नजर आ रहे हैं, 12 बॉल में मात्र 4 रन बनाए हैं। चले ओवर की है दूसरी बॉल फिर से डॉट बॉल। तो इस ओवर की लगातार 3 बॉल डॉट निकलती हुई, तो मोहम्मद रिजवान काफी स्लो खेलते हुए नजर आ रहे हैं, काफी स्लो, क्योंकि 14 ओवर बॉलों में मात्र 4 रन बनाए अभी तक। चलिए ओवर की है चौथी बॉल, सामने मोहम्मद रिजवान काफी स्लो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए ओवर की चौथी बॉल फिर से डॉट बॉल यहाँ पे।
इस ओवर से अभी तक कोई रन नहीं देखने को मिला है, चारों बॉले डॉट निकली हैं। सैयद अजीज दो ओवर चार बॉल में मात्र छह रन दिए और एक विकेट में निकाला है, पहला विकेट उन्होंने ही निकाला है। चलिए ओवर की पांचवी बॉल पर उठा करके मारा है, सामने फील्डर है, मात्र एक रन मिलेगा। इसी एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन, एक विकेट के नुकसान पे 5-5 पे। सैयद के ओवर की ये लास्ट बॉल, तीसरे ओवर की लास्ट बॉल, गाइस चलिए यहाँ पे ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और नहीं वाइट है, वाइट तो वाइट के साथ एक और रन बढ़ जाएगा तो 31 पे एक। तो ओवर की लास्ट बॉल पे सिंगल नहीं मिलेगा, डॉट डॉट के साथ ओवर की समाप्ति। तो छह ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन। गाइस यहां पे 31 पे एक, छह ओवर की समाप्ति के बाद मोहम्मद रिजवान मात्र 5 रन बना पाए अभी तक, 16 बॉल का सामना किया है। और मोहम्मद नूर भी विरा की बात की जाए तो 17 रन बना करके खेल रहे हैं, 12 बॉल का सामना किया है और उन्होंने 3 चौके भी लगाए हैं। 3 चौके की बदौलत वो 17 रन पर पहुंच चुके हैं और 141 की स्ट्राइक रेट से। और मोहम्मद रिजवान जेबरी की बात की जाए तो 31 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। तो ये भैया T20 है, थोड़े रन बनाइएगा अगर टीम को जीतना है तो, अगर ऐसे आप बॉल खाते रहोगे तो कैसे जीतेंगे। चलिए ओवर की शुरुआत हो चुकी है तो पावर प्ले में मात्र 31 रन आए हैं, एक विकेट खो करके। तो वाहिब आए हैं नए बॉलर, वाहिब के पहले ओवर की पहली बॉल डॉट निकलती हुई। वाहिब जादा के दूसरे बॉल भी डॉट बॉल। वाहिब अपनी तीसरी बॉल फेंकने के लिए तैयार है। मोहम्मद रिजवान फिर से सामना करेंगे। चलिए तीसरी बॉल फिर से या डॉट बॉल यहां पे। ओवर की चौथी बॉल डॉट बॉल। तो 4 लगातार डॉट बॉल है। मोहम्मद रिजवान 20 बॉल में मात्र 5 रन के बना करके खेल रहे हैं और एक और डॉट बॉल, और यहां पे मिस फील्ड के चलते एक रन निकाल लेंगे तो एक रन और मिल जाएगा। तो इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन, एक विकेट के नुकसान पे 6-5 पर। मोहम्मद नूर विजा फिर से सामना करेंगे, काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 12 बॉल में 17 रन बना करके खेल रहे हैं। तो ओवर की लास्ट बॉल वाहिब ज्यादा अपनी ओवर की लास्ट बॉल फेंकने के लिए तैयार है। मोहम्मद नूर बिरा चलिए इस ओवर से मात्र एक रन देखने को मिला इस डॉट के साथ ओवर की समाप्ति। तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन, एक विकेट के नुकसान पे। तो 13 ओवर में 92 रनों की जरूरत है। और करंट रन रेट की बात की जाए तो काफी मतलब बराबर चले, 7 की रन रेट है और 7 की ही जरूरत है। तो रन रेट में कुछ खास अंतर नहीं है, दोनों
अभी जिस हिसाब से रन बना रहे उस हिसाब से भी बनाते रहेंगे तो भी आराम से जीत सकती है अगर अपने विकेट बचा कर रखेगी MAF तो 78 बॉल में 92 रनों की जरूरत है यहाँ पे। तो 7 के स्ट्राइक रेट से अगर रन बनाते हैं प्रति ओवर 7 रन तो यहाँ पे जीत जाएगी मैप। बाकी तो आगे देखने वाली बात रहेगी। सर्विन आए हैं नए बॉलर यहाँ पे सर्विन। अरे भैया जी रिजवान ने भी शायद बाउंड्री लगा दी है क्या? बिल्कुल 6 लगाया है, छक्के से शुरुआत की है। चलिए कुछ नया किया है रिजवान ने छक्का लगाया है यहाँ पे, पहला छक्का लगाया है टीम का। तो रिजवान काफ़ी स्लो खेल रहे थे, 23 बॉल में मात्र 6 रन बनाए, 22 बॉल में 6 रन बनाए थे और इसके चलते अब छक्का भी लगा दिया तो 23 बॉल में 12 रन बना कर के खेल रहे हैं अब। चलिए 38 पे 1 विकेट 7 की 2 पर और फिर से उठाया है और यहाँ पे नीचे फील्डर है और विकेट भी अपना गंवा चुके हैं। फॉर्म में लौटने की कोशिश कर रहे थे लेकिन एक छक्का लगाने के बाद दूसरे छक्का लगाने की कोशिश में अपना विकेट गंवा चुके हैं। तो चलिए गाइस यहाँ पे दूसरा विकेट गिरता हुआ तो 38 पे 2 विकेट हो चुके हैं 7 की 3 पर। चलिए भैया वैसे भी आप भले स्लो स्लो खेल रहे थे मोहम्मद सैयद, अब आए नए बैट्समैन। चलिए इनकी भी देख लेते हैं हिस्ट्री क्या है इस टूर्नामेंट में, अभी फिलहाल उनका अपडेट नहीं आया। मोहम्मद सैयद सर्विन ने पहला विकेट निकाला है अपने पहले ही ओवर में 6 रन दे करके। अजी पिछले ओवर मैच की बात की जाए तो इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, 54 बॉल में 44 रन बनाए थे। तो आज भी ऐसी ही बैटिंग करने की जरूरत है अगर आपको जीतना है तो। ये मोहम्मद क्या कहते हैं अपने टीम के कैप्टन भी हैं तो कैप्टन ही पारी खेलनी होगी इन्हें अगर जीतना है तो। बाकी और 4 मैचों में इनका कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है, पहले मैच में 4 बनाए, दूसरे में 0 पे आउट हो गए, फिर तीसरे में 4 रन बनाए और चौथे मैच में 5 रन बनाए थे और कल सेमीफाइनल में 44 रन बनाए थे। और आज के मैच में देखने वाली बात रहेगी क्या कुछ कर पाते हैं अपनी टीम के लिए, कैप्टनी पारी खेलनी होगी अगर इनको जीतना है तो। तो एक और यहाँ सिंगल मिलता हुआ है, इसी सिंगल के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर 7 के 5 पर, 74 बॉल में 84 रन। रनों का गैप कुछ ज्यादा नहीं है, आराम से खेलिए आराम से जीत जाएगी। सर्विन अपने ओवर की 5वीं बॉल फेंक चुके हैं और 6ठी बॉल फेंकने के लिए तैयार हैं, एक विकेट भी निकाल लिया है उन्होंने पहले ही ओवर में। विकेट कीपर थर्ड मैन की दिशा में बॉल जा रही है, उसके पीछे दो दो प्लेयर भाग रहे हैं और 2 रन चुरा लेंगे 2 रन के साथ ओवर की समाप्ति। तो 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति के बाद। तो बिल्कुल गाइस यहाँ पे 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, बाकी 41 रन बने हैं और 2 विकेट भी अपने गंवाए हैं।
तो चलिए गाइस यहाँ पे वाहिद फिर से आए हैं दूसरा ओवर लेकर के। वाहिद पहला ओवर फेंक करके गए थे, मात्र एक रन दिया था, अब दूसरा रन ओवर लेकर के आए हैं। दूसरे ओवर में शुरुआत हो चुकी है डॉट के साथ। चलिए ओवर की दूसरी बॉल, दूसरी बॉल, दूसरी बॉल, दूसरी बॉल, दूसरी बॉल, दूसरी बॉल पे यहाँ पे सिंगल निकाल लिया है। तो इसी सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन 2 विकेट के नुकसान पे 8-2 पर। वाहिद ज्यादा काफी अच्छे बॉलर हो सकते हैं यहाँ पे, क्या वो देखने वाली बात रहेगी। इनको विकेट भी मिलना चाहिए क्योंकि बैट्समैन से कुछ कर नहीं पाए थे, जीरो पे आउट होकर के पवेलियन चले गए थे और बॉलिंग में कुछ कर पाए ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे 3 बॉल में मात्र 1 रन दिया है। चौथी बॉल फेंकने के लिए तैयार है। चौथी बॉल पे बाल बाल बचे यहाँ। चौथी बॉल पे सिंगल निकाल करके 43 रन 2 विकेट के नुकसान पे 8-4 पर। मोहम्मद नूर विराज 19 रन बना करके खेल रहे हैं, 17 बॉल का सामना किया। मोहम्मद सयादत आया अभी क्रीज पर, 3 बॉल में 3 रन बनाए हैं। नूर विराज सामना कर रहे हैं। ओवर की 5वीं बॉल, तीसरी बॉल भी यहां पे डॉट। वाहिद ज्यादा अपने ओवर की लास्ट बॉल पे विकेट निकाल के दिया है और किस रूप में है शायद, बिल्कुल यहां पे एक और विकेट गिर चुका है। तो 43वें 3-9 ओवर की समाप्ति के बाद नूर बिरा आउट होकर के पवेलियन वापस चले गए हैं। वाहिद ज्यादा ने अपना विकेट निकाल के दिया है दूसरे ओवर में। 2 ओवर में मात्र 3 रन दिए और 1 विकेट भी निकाल लिया है। तो फिलहाल नूर विरा आउट होकर के पवेलियन चले गए हैं, उनकी जगह पे आए हैं मोहम्मद रुस्मान आयस। मोहम्मद रुस्मान जुकारिया विकेट कीपर, रुस्मान जुकारिया जो नए बैट्समैन आए हैं। शिव नारायण राहुल आए नए बॉलर, शिव नरीन राहुल जो कि पहला ओवर लेकर के आए हैं। और एक और विकेट यहां पे बैक टू बैक दूसरा विकेट भी गिर चुका है। मोहम्मद सियादत भी आउट होकर के जाएंगे पवेलियन वापस। तो ये चौथा विकेट भी गिर चुका है टीम नारीन राहुल ने। पहली ओवर पहली बॉल पर पहला विकेट निकाल लिया है।
सिया दत्त अपने पवेलियन वापस जा रहे हैं। चार बॉल में मात्र 3 रन बना करके खेल रहे थे। तो चलिए यहाँ पे चौथा विकेट गिरता हुआ 43 पे 4 विकेट 9 की 1 पर। टीम नरीन राहुल अपने ओवर की दूसरी बॉल फेंकने के लिए तैयार हैं। नए बैट्समैन कौन आने वाले भागते हुए नजर आ रहे हैं। 20 नंबर जर्सी पहने हुए हैं। और रुकाई रन रेट 7.5 की पहुंच चुकी है। अब 65 बॉल में 81 रन बनाने हैं। चार बॉल अपना विकेट गंवा चुकी है मैं और 43 रन बनाए मात्र। तो चलिए ओवर की ये दूसरी बॉल। टीम नरीन राहुल अपने ओवर की दूसरी बॉल। अब्दुल राशिद आए हैं। अब्दुल राशिद नए बैट्समैन। अब्दुल राशिद ने खेला है शॉट लेकिन सामने फील्डर मात्र 1 रन मिलेगा। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 44 पे 4। तो गाइस जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओवर की है चौथी बॉल। चौथी बॉल पे विकेट हो सकता था लेकिन मिस हुआ और 1 रन मिल जाएगा। तो इसी 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन 4 विकेट के नुकसान पे 9 की 5 पर। 9 की 5 पर अभी भी यहाँ 1 बॉल बाकी है इस ओवर की। तो 1 सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन 4 विकेट के नुकसान पे। तो गाइस यहाँ पे आधे ओवर का गेम खत्म हो चुका है। आधे ओवर में अभी 77 रन बनाने हैं यानी 10 ओवर में 77 रन 60 बॉल में 77 रन।
तो वही ज्यादा फिर से आए अपना तीसरा ओवर लेकर के, तो दो तीन बॉल में मात्र एक रन निकल दिया है, दो डॉट बॉल में आए हैं इस ओवर से। चलिए दो रन और मिल जाएंगे इस बॉल पर, तो इसी दो रन के साथ टीम का 50 हो चुका है, 50 रन पूरे कर लिए हैं चार विकेट के चलते 10 ओवर चार बॉल में। एक और डॉट बॉल, तो ओवर की लास्ट बॉल वाहिब ज्यादा के ओवर की लास्ट बॉल और ओवर की समाप्ति, इस डॉट के साथ ओवर की समाप्ति। तो 11 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन चार विकेट के नुकसान पे मैप का स्कोर। स्ट्राइकी विकेट ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 123 रन बनाए थे आठ विकेट को करके, उसके जवाब में उतरी एमएएफ 11 ओवर में मात्र 50 रन बना पाई है, चार विकेट खो चुकी है अभी तक, और 54 रन में 74 रन और बनाने अभी। शिव नरीन राहुल फिर से आए हैं अपना दूसरा ओवर लेकर के, पहले ओवर में उन्होंने एक विकेट निकाला था, चार रन दिए थे, और ये काफी जबरदस्त शॉट और फील्डर के सर के ऊपर से सीधे सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए, तो छह रन। मोहम्मद सैयदत 12 रन पर पहुंच चुके छक्के की मदद से, तो 56 रन चार विकेट के नुकसान पे 11 की एक पर। और एक और सिंगल निकालेंगे, इसी सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 57 रन चार विकेट के नुकसान पे 11 की दो पर। जीत के लिए मात्र 68 रन दूर 52 रन में 67 रनों की जरूरत, 52 बॉल में 67 रन बनाने हैं, कुछ ज्यादा नहीं है। चलिए रिवर्स स्वीप निकालते हुए सिंगल के लिए, सिंगल के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 58 रन चार विकेट के नुकसान पे 11 की तीन पर। चौथी बॉल डॉट, तो 11 ओवर चार बॉल में 58 रन चार विकेट के नुकसान पे मोहम्मद सैयदत 13 रन बना करके खेल रहे, 12 बॉल का सामना किया, सिंगल के लिए निकाला लेकिन दूसरे प्लेयर ने मना किया, तो डॉट, एक और डॉट बॉल। शिव नरीन राहुल अपने ओवर की लास्ट बॉल फेंकने के लिए तैयार है, और सिंगल मिलेगा और डॉट, दौड़ करके रन पूरा किया, मुझे लग रहा था रन आउट हो सकता है डायरेक्ट हिट होती तो लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं था, तो यहाँ पे 12 ओवर की समाप्ति के बाद 59 रन चार विकेट के नुकसान पे एमएएफ का स्कोर। मलेशियन अरमीन फोर्सेस वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड, तो पहले फील्डिंग करके की थी, तो एसटीडब्ल्यू ने 123 रन बनाए थे आठ विकेट के खोकर के 20 ओवर में, उसकी जवाब में उतरी एमएएफ 59 रन बना चुकी है 12 ओवर की समाप्ति के बाद चार विकेट खोकर के। और एक और सिंगल यहां पे निकाला है, काफी जबरदस्त शॉट था लेकिन सामने फील्डर, तो जब तक फील्डर पिकअप करते तब तक एक रन निकाल लिया, चुरा लिया एक रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 60 रन चार विकेट के नुकसान पे। ओवर की ये दूसरी बॉल और एक विकेट, तो यहाँ पे पांचवा विकेट गिरता हुआ, काफी नजाकत के साथ खेला हुआ शॉट सीधे फील्डर के हाथों में, तो यहाँ पे कैच आउट के रूप में पांचवा विकेट गिरता हुआ, तो 60 रन पांच विकेट 12 की दो पर।
शुक्रिया है नए बैट्समैन, शुक्री रहीम, शुक्री रहीम इन पांच मैचों में से मात्र एक मैच में बैटिंग करी है उन्होंने, तो उसमें 15 बॉल में 15 रन बनाए थे, बाकी और में उनका नंबर नहीं आया है, और बॉलिंग में उनका थोड़ा सा ठीक था, चलिए उनका नंबर ही नहीं आता तो क्या खेलेंगे। एक मैच में नंबर आया था तो 15 बॉल में 15 रन बनाए थे। यहाँ पे निकाला है और पीछे फील्डर भाग रहा है, रस्सी से पहले ही पिकअप कर लिया है बॉल को यहाँ पे, तो सिंगल, इसी सिंगल के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 61 रन 5 विकेट के नुकसान पर 12 की 4 पर। जीत के लिए मात्र 64 रन दूर। फिर से सिंगल के लिए निकाला है, दूसरा भागने की कोशिश और 2 रन पूरे कर लेंगे। इसी 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 63 रन 5 विकेट के नुकसान पर 12 की 5 पर। सियादत 16 बॉल में 17 रन बना करके खेल रहे हैं, और एक सिंगल और जोड़ लीजिए 18 रन पर पहुंच जाएंगे, और एक सिंगल के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 64 रन 5 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर की समाप्ति के बाद। रन रेट की जरूरत है यहां पे बनाने के लिए, और करंट रेट भी इतनी ही चल रही है लगभग 8.4 की। नहीं, चल कितने की रही है ये नहीं अंदाजा लग रहा, शिवनरीन राहुल आए अपना 3रा ओवर लेकर के, तो पहले ही बॉल पर एक सिंगल निकाला, सिंगल के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 65 रन 5 विकेट के नुकसान पर ओवर की दूसरी बॉल। शुक्री सामना करेंगे, फिर से एक और सिंगल, तो इसी सिंगल के साथ टीम का स्कोर 66 रन 5 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए मात्र 59 रन दूर 41 बॉल का सामना करने के बाद अगर बनाती है तो। चलिए फिर से एक और रन निकाल लिया है, तो इस सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ गेम 67 रन 5 विकेट के नुकसान पर 13 की 3 पर। ओवर की चौथी बॉल फुल टॉस होते हुए और विकेट कीपर के ऊपर से, नहीं बॉलर के ऊपर से निकलती हुई, प्रयास अच्छा किया था कैच लेने का लेकिन मिस कर गए, तो इसी सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 68 रन 5 विकेट के नुकसान पर 13 की 4 पर। और यहां पे विकेट की अपील, एम्पायर का कोई इशारा नहीं, और फिर से अपील, चलिए एम्पायर ने नकारा, 9 विकेट 9 रन। दूसरे एम्पायर से डिस्कस किया जा रहा है, एम्पायर पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए दूसरा एम्पायर सामने आया और उन्होंने उन खिलाड़ी को समझाया, और चलिए कोई नहीं, यहाँ पे चलिए ओवर की लास्ट बॉल, तो 14वें ओवर की लास्ट बॉल सामने सियादत,
और फिर से एक और डॉट बॉल, नहीं फुल डॉट। अरे वाह भाई वाह वाह, चौकाल मिल गया है। मैं सोच रहा उस प्लेयर ने रोक ली, लेकिन रस्सी के बाहर जाके रोकी थी। चलिए चौका मिल जाएगा। तो इसी चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 72 रन 5 विकेट के नुकसान पे 14 ओवर की समाप्ति के बाद। तो इस ओवर से 9 रन देखने को मिले, 8 रन, सॉरी 8 रन, काफी देर के बाद 8 रन देखने को मिले हैं। तो अभी तो 36 बॉल में 52 रन, 6 ओवर शेष, 52 रन बनाने हैं अभी जीत के लिए। रुकाए रन रेट की बात की जाए तो 8.67 की हो चुकी है। अरे ये मैच भी काफी बेटर है, चलिए देखते हैं। और इसमें भी मजा आ रहा है, और फिर से सिंगल निकालने की कोशिश। सामने फील्डर, मात्र 1 रन मिलेगा। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 73 रन 5 विकेट के नुकसान पर 14 की 1 पर। फिर से सिंगल के लिए निकाला है, दूसरा भागने की फिराक में। बिल्कुल दूसरा भाग लिया है और 2 रन पूरे करेंगे। तो इसी 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 75 रन 5 विकेट के नुकसान पर 14 की 3 पर। काफी जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ और जीत के करीब, और फिर से उठा करके मारा है और सामने फील्डर है, सिंगल ही मिलेगा। तो अब रनों की बौछार होने लगी है सिंगल डबल के साथ। तो इसी सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 76 रन 5 विकेट के नुकसान पर 14 की 3 पर। ओवर की चौथी बॉल, सुकरी सामना करेंगे, उठा करके मारा है और सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। एक और जबरदस्त शॉट इस ओवर से। तो इसी 6 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 82 रन 5 विकेट के नुकसान पे। और इस ओवर ने तो मैच में जान डाल दी, क्योंकि इस ओवर से अभी तक 10 रन आ चुके हैं 4 बॉल में, अभी भी 2 बॉल बाकी हैं। फिर से यहां पे सिंगल मिलेगा, इसी सिंगल के साथ बढ़ता हुआ उसको 83 रन 5 विकेट के नुकसान पे 14 की 5 पर। अभी भी इस ओवर की बैल 1 बॉल बाकी है। इस ओवर में अभी तक 11 रन आ चुके हैं, शुक्री 11 रन पर पहुंच चुके हैं, 7 बॉल का सामना किया है, और से ज्यादा 27 रन पर 23 बॉल का सामना किया। और ये भी एक जबरदस्त शॉट बिल्कुल सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। तो एक और छक्का इस ओवर से, तो 11 रन पहले ही हो चुके थे और एक छक्का और लग गया है, उसी के चलते यहाँ पे 17 रन आ जाएंगे इस ओवर से। तो 89 पर पहुंच चुकी है टीम 15 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पे। 89 रन 5 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर की समाप्ति के बाद। इस ओवर से काफी अच्छे रन देखने को मिले, 17 रन, और फिर से यहां पे करंट रेट 7 की आ चुकी है, रुकाए रन रेट। तो गाइस यहाँ पे अब 30 बॉल में मात्र 35 रनों की जरूरत है। तो फाइनल कौन किसके नाम होने वाला है कमेंट करके जल्दी जल्दी से बताइए। और जिन्होंने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे आने वाले हर मैच की कॉमेंट लाइव हिंदी कॉमेंट्री आपको सुनने को और देखने को मिलेगी, हर पूरी तरह से अपडेट।
चलिए सर्वीनेम। सरवीन एम ने आते ही शुरुआत की है व्हाइट से, तो इसी व्हाइट के साथ टीम का स्कोर 90 रन हो जाएगा 15 ओवर की समाप्ति पर, 5 विकेट के चलते। 5 विकेट खो चुकी है और अब ज्यादा रन की जरूरत नहीं है गाइस, मात्र 30 बॉल में 34 रन। तो ओवर की अब फिर से पहली बॉल फेंकने के लिए तैयार है, पहली बॉल तो सिंगल के साथ गेम आगे बढ़ता हुआ, सिंगल निकलेगा, सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ 91 रन 5 विकेट के नुकसान पे 15 की 1 पर। तो ओवर की है दूसरी बॉल, सरवीन सामने सयादत। सयादत 33 रन बना करके खेले, 24 बॉल का सामना किया है और यहाँ पे विकेट, लेकिन एम्पायर ने मना किया। हा, बॉलर की काफी अपील के बाद भी एम्पायर ने आउट नहीं दिया, तो चलिए एक डॉट बॉल निकल गई, बाकी विकेट बच गया, नहीं तो विकेट भी हो सकता था। इक्यानवे रन 5 विकेट के नुकसान पे 15 की 2 पर। मोहम्मद सियादत सामना करेंगे 25 बॉल में 33 रन बना करके खेल रहे हैं, 2 छक्के और 1 चौके की मदद से। ओवर की ये तीसरी बॉल, तीसरी बॉल पे सिंगल निकाल दिया है, सिंगल मिलेगा, इसी सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 92 रन 5 विकेट के नुकसान पे 15 की 2 पर, 15 की 3 पर, सॉरी 15 की 3 पर, 92 5 विकेट के नुकसान पे। ओवर की है चौथी बॉल, सामने सुकरी, चलिए डॉट बॉल। सरवीन, सरवीन ने मात्र अभी तक 3 रन दिए हैं, 4 बॉल फेंक चुके हैं, यहां पे जीतने के लिए मात्र 32 रनों की जरूरत है, 26 बॉल। यानी 4 ओवर 2 बॉल में, यहां पे 4 ओवर 2 बॉल में देखने वाली बात रहेगी क्या करती है टीम। और आज इनके बॉलर चले थोड़े से, लेकिन उनके बैट्समैन भी चलते रहे और यहाँ पे फिर से सिंगल निकालने की कोशिश और सामने फील्डर है, मात्र 1 ही रन मिलेगा, तो इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 93 रन 5 विकेट के नुकसान पे 15 की 5 पर। चलिए ओवर की ये लास्ट बॉल, डॉट के साथ ओवर की समाप्ति, तो 16 ओवर की समाप्ति के बाद 93 रन 5 विकेट के नुकसान पे। तो जीतने के लिए मात्र 31 रन 25 बॉल 24 बॉल में। अगर गाइस यहां पे अगर विकेट नहीं गिरता है तो 100% MAF जीत जाएगी, अगर यहां पे विकेट गिरा लेती है 1-2 STW तो कुछ मुश्किल में आ सकती है टीम। यूसुफ अजयान फिर से आए हैं अपना ओवर लेकर के, पहले ओवर में उन्होंने 14 रन दिए थे, अब दूसरा ओवर लेकर के आए हैं। सुकरी सामना करेंगे, सुकरी 10 बॉल में 13 रन बना करके खेल रहे हैं, मात्र 1 छक्के की मदद से, 1 छक्का भी लगाया उन्होंने। ज्यादत भी 2 छक्के लगा, छक्के लगा चुके हैं इस टूर्नामेंट में, अभी इस मैच में।
यूसुफ अजियान दूसरा ओवर लेकर के आए हैं, पहले ओवर में 14 रन दिए थे अपनी फील्डिंग सेट करते हुए बॉलर यूसुफ। बिल्कुल यहाँ पे 31 रनों की जरूरत है 24 बॉल में, काफी अच्छा मुकाबला होने वाला है, टक्कर का मुकाबला। यूसुफ अपने दूसरे ओवर की पहली बॉल सामने सुकरी, सुकरी ने उठा करके मारा है, कितनी दूर है ये, और काफी दूर, 6 रन के लिए है। एम्पायर का इशारा 6 रन, इसी 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 99 रन 5 विकेट के नुकसान पर 16-1 पर। तो पहली बॉल पे 6 रन देखने को मिले सुकरी 19 रन पर पहुंच चुके हैं, 2 चौक छक्के की मदद से 11 बॉल का सामना किया मात्र। तो ओवर की ये दूसरी बॉल, यूसुफ अपने ओवर की दूसरी बॉल सुकरी सामना करेंगे, सिंगल के लिए निकाला है और सिंगल के साथ बड़ा पूरा 100 यानी 100 रन पूरे हो चुके हैं 5 विकेट के खोने के बाद 16-2 पर, 16 ओवर 2 बॉल में। तो जीतने के लिए मात्र 24 रनों की जरूरत 22 बॉल में। बिल्कुल उन्होंने बॉलरों के बराबर ला के रख दिया और फिर से उठा करके मारा है, सामने फील्डर है, मात्र 1 रन मिलेगा, इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 101 रन 5 विकेट के नुकसान पर 16-3 पर। एक और सिंगल यहाँ देखने को मिला है, काफी अच्छी फील्डिंग का नजारा, शायद 2 चुरा लिए इतने इसके चलते, बिल्कुल 2 चुरा लिए, तो 103 रन 5 विकेट के नुकसान पर 16-4 पर। तो 21 में अब यानी 20 में 21 रन की जरूरत है, 20 बॉल 21 रन, क्या कहना है दोस्तों आपका, कौन सी टीम जीतने वाली है? जल्दी जल्दी से, और चौके के लिए भाग रही है, 2 प्लेयर पीछे हैं, चलिए रोक तो लेंगे मात्र पर, लेकिन 2 बॉलों 3 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे, 3 रन पूरे कर लिए हैं यहाँ पे, खतरा मोल लेकर के 1 रन एक्स्ट्रा निकाला है। तो चलिए 3 रन के चलते 106 रन 5 विकेट के नुकसान पे 16-5 पर। फिलहाल अभी अपडेट नहीं किया है 3 रन है या 2 है, वो देखने वाली बात रहेगी। तो थोड़ा यहाँ पे प्लेयर चोटिल सा नजर आता हुआ, तो 3 रन अपडेट कर दिया गया है, तो 3 रन मिले थे इस लास्ट बॉल पर, 106 रन 5 विकेट के नुकसान पर 16-5 पर। अब जीत के लिए मात्र 19 बॉलों में 18 रन, थोड़ा यहां प्लेयर की कुछ चोट सी आई थी, इसके चलते यहाँ पे मैच रोक दिया गया है 2 मिनट के लिए। तो गाइस जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए गाइस, मात्र 15 लाइक मिले हैं, तो लाइक भी कीजिए वीडियो को। तो MAF बिन हो चुका है, सोनू कुमार यादव का मैसेज है, बिल्कुल यहाँ पे वही जीतने वाली है, ऐसा हमें भी लग रहा है और आपको भी अगर लग रहा है तो सभी कमेंट करके बताइए। चलिए मैच स्टार्ट हो चुका है।
तो यूसुफ, यूसुफ फिर से अपना ओवर का लास्ट बॉल फेंकने के लिए तैयार हैं। तो चलिए इस सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। तो पहले ओवर में उन्होंने 14 दिए थे और इस ओवर में भी 14 रन दिए हैं, तो दो ओवर में 28 रन दे चुके हैं यूसुफ अजियान। तो 17 ओवर की समाप्ति के बाद 107 रन 5 विकेट के नुकसान पे मोहम्मद सियादत 36 रन बना करके खेल रहे हैं। 29 बॉल का सामना किया है और दो छक्के और एक चौके की मदद से शुक्री रहीम 14 बॉल में 25 रन बना करके खेल रहे हैं, दो छक्के की मदद से 178 की स्ट्राइक रेट से। तो चलिए गाइस 18 बॉल में 17 रनों की जरूरत। तो अभी भी यहां पे अगर विकेट गिरता है तो कुछ भी हो सकता है। सरवीन को लाए हैं अपने, दूसरा ओवर लेकर के आए सरवीन। सरवीन अभी पहला ओवर फेंके करके गए थे, मात्र 4 रन दिए थे इससे पिछले ओवर मैच में, उसमें ओवर में, और इस ओवर में क्या विकेट निकाल के देंगे। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे कुछ चांस भी हो सकते हैं एसटीडब्ल्यू के स्ट्राइक की विकेट के। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर तो मलेशियन टीम जीत रही है। तो सिंगल के साथ स्टार्ट डॉट के साथ मैच आगे बढ़ता हुआ, पहला बॉल डॉट निकलता हुआ सर्विन। सर्विन अपने ओवर की दूसरे ओवर की दूसरी बॉल फेंकने के लिए तैयार है। मोहम्मद सियादत सामना करेंगे, 30 बॉल में 36 रन बना करके खेल रहे हैं और यहाँ विकेट कीपर से निकल गई है सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। ये देखने वाली बात रहेगी कि बैट से गई है या बिल्कुल बैट से लग करके गई है। तो सियादत पहुंच चुके हैं 40 रन पर, 31 बॉल का सामना किया है मात्र। तो यहाँ पे जीतने के लिए मात्र 13 रनों की जरूरत, 16 बॉल अभी भी बाकी है, 16 बॉल मात्र 13 रन। तो गाइस बिल्कुल यहाँ पे अब तो कुछ आशंका बची नहीं है जीतने के लिए, एमएएफ बिल्कुल जीत जाएगी यहाँ पे। मलेशियन आर्मेड फोर्सेस वन दिस मैच। एक लेग वाइकर और रन निकलता हुआ है। तो शुक्री अब सामना करेंगे चौथी बॉल का, 112 रन पर पहुंच चुकी है 5 विकेट के चलते। 17 ओवर 3 बॉल जीतने के लिए, 15 बॉल में 12 रन। चलिए एक और डॉट बॉल, तो 14 बॉल में 12 रन, 12 रन दूर मात्र मलेशियन आर्मेड फोर्सेस, मात्र 12 रन दूर है। 14 बॉल अभी भी बाकी है, 5 विकेट भी अभी रखे हैं, तो जीत जाएगी आराम से। और एक और वाइट, तो एक रन और जोड़ लीजिए गाइस, तो 113 रन हो जाएगा 5 विकेट के नुकसान पर 17 की 4 परी। तो 4 बॉल में 6 रन आ चुके हैं। तो 14 बॉल में 11 रन मात्र। एक और डॉट बॉल, अब 13 बॉल में 11 रन,
इस ओवर की लास्ट बॉल सर्विन अपने ओवर की लास्ट बॉल फेंकने के लिए तैयार हैं। सुकरी सामना करेंगे, सुकरी 25 रन बना करके खेल रहे हैं और यहां पे निकाल दिया है शायद दो रन के लिए, नहीं एक रन के ही लिए है, मात्र एक रन मिलेगा। तो 18 ओवर की समाप्ति के बाद 114 रन 5 विकेट के नुकसान पे MAF। सैयद अजीज फिर से एड लेकर के आए, उनको 3 ओवर में मात्र 8 रन दिए थे, एक विकेट भी निकाला था उन्होंने, और इनको शायद पहले ओवर कराया जाता तो एक आध विकेट और निकाल के देते, पर लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। चलिए और दो दो फील्डरों को मिस करती हुई सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए, तो ये चौका काफी महत्वपूर्ण होगा MAF के लिए। तो चलिए गाइस यहां पे सिर्फ 6 रनों की और जरूरत है 11 बॉल में, और बिल्कुल इसी ओवर में शायद जीत लेंगे अब तो, 6 रन 11 बॉल। तो चलिए एम्पायर का इशारा वाइट, तो 119 5 विकेट के नुकसान पे। डॉट बॉल वन बाउंस डॉट, तो 11 बॉल में मात्र 5 रनों की जरूरत है MAF को, तो ये शायद फाइनल MAF के नाम होगा मलेशियन और मेड फोर्सेस के नाम। फिर से डॉट बॉल, तो 9 बॉल में अभी भी 5 रनों की जरूरत है। सुकरी सामना करेंगे ओवर के चौथी बॉल का, चले यहां पे विकेट गिर चुका है रन आउट के रूप में, तो यहां पे छठवां विकेट गिरता हुआ रन आउट, काफी देर के बाद यहां पे रन आउट देखने को मिला है। बड़े आराम से जीत रही थी लेकिन हड़बड़ी में विकेट भी अपना गंवा चुके हैं। तो चलिए 8 बॉल है अभी भी बाकी हैं 5 रन के लिए। मोहम्मद असवी आए हैं नए बैट्समैन, तो 8 बॉल 5 रन और नए बैट्समैन मोहम्मद असवी, और यहां पर रन आउट हो सकता है लेकिन नहीं नहीं नहीं
एक रन और मिल जाएगा लेग बाय के रूप में। तो 7 बॉल 4 रन। तो 120 पर पहुंच चुकी है 6 विकेट के चलते 18 की 5 पर ओवर की लास्ट बॉल। सैयद अचीज और 2 रन चुरा लेंगे, 2 रन ले लिए, थोड़ी सी तो चलेगा। इस यहाँ पे मात्र 2 रनों की जरूरत है 1 ओवर में। तो 19 ओवर की समाप्ति के बाद 122 रन 6 विकेट के नुकसान पे। तो चलिए गाइस, यहाँ पे मात्र 2 रनों की जरूरत है। तो मात्र 2 रन दूर इस ओवर में, मात्र 2 रन बनाने हैं। सर्वी नए हैं, नए बॉलर मोहम्मद सियादत सामना करेंगे। सियादत काफी अच्छा बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, 40 रन बना चुके हैं 33 बॉल का सामना करते। तो मात्र 2 रन और 2 रन इसी में पूरे हो जाएंगे क्या? बिल्कुल हो चुके हैं 2 रन, चौके से ये मैच जीत लिया है। चलिए MAF यहाँ पे जीत चुकी है, 2 से जीती या चौके से जीती ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जीत चुकी है। तो 2 रन से ही जीती थी, चौका रोक लिया गया था। चलिए यहाँ पे 124 6 विकेट के नुकसान पे 19 के ओवर 1 बॉल में ये मैच जीत लिया है MAF मलेशिया आर्मेड फोर्सेस ने। तो इस टूर्नामेंट की विजेता हो गई अल मलेशियन आर्मेड फोर्सेस। तो MCA T20 सियावल पीस कप 2022 का ये फाइनल मुकाबला मलेशियन आर्मेड फोर्सेस ने जीत लिया है। सौरभ भाई ऊपर को, अरे उधर टोटी खुली है या इधर खुली है? सौरभ